अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारा काम तो गुड मॉर्निंग कहना है, लेकिन सोचिए हम ये गुड मॉर्निंग कह रहे हैं एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में। लेकिन इस वक्त मैं जिक्र करना चाहूँगी, जैसे कि आपने ये देखा, ये वीडियो देखा जिसमें कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, जन्नत नज़ीर वादियाँ, ये खूबसूरत आबशार, पहाड़, ये वो मनाजिर हैं जिनको देखकर आप ये यकीनन सोच रहे होंगे कि ये जगह तो सिर्फ और सिर्फ सैरो तफरी के लिए है, यहाँ तो सिर्फ टूरिज्म होना चाहिए, यहाँ तो सिर्फ सुकून होना चाहिए, यहाँ तो लोगों को दूर दूर से आना चाहिए और इस खुदा की बनाई हुई जन्नत को देखकर अशश करना चाहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए कि खुदा ने ज़मीन पे इतना खूबसूरत टुकड़ा बनाया और उसका नाम पड़ा है कश्मीर। लेकिन बदकिस्मती से इस खूबसूरत जन्नत नज़ीर खित्ते को इस तरह दबोच के रखा हुआ है, इसको ऐसे दबोचा हुआ है कि ना सिर्फ इस ज़मीन को तकलीफ़ पहुंच रही है, उस पर रहने वाले एक एक शख्स को तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, जवान हो, माँ हो, बाप हो, बीवी हो, बेटी हो, भाई हो, बच्चा हो, हर एक तकलीफ़ चीखें ये सारी चीज़ों से गुजर रहा है। 73 साल हो गए हैं इस गम को, इस दुख को झेलते हुए, जिस तरह भारतीय मजालिम ये खित्ता, ये जन्नत नज़ीर खित्ता जिसे हम कश्मीर कहते हैं, ये सहरा है, भारत इस पर कब्ज़ा करके बैठा है, इस तरह दबोच के बैठा हुआ है, तकलीफ़ पे तकलीफ़ देता जा रहा है, इनकी आने वाली हर जनरेशन को दबोचे हुए है और उन्हें अजियत नाक सजाएं देता है, उन्हें अजियत में मुब्तला करता है। उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान पिछले 31 साल से, 31 साल से आज का दिन यौमे यकजहती मनाता है, 5 फरवरी। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जितने पाकिस्तानी हैं वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं और यही नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पूरी दुनिया को इस ये जो भारत के मजालिम है जो वो कश्मीर पे ढा रहा है पिछले 73 सालों से, पूरी दुनिया को इसके बारे में चीख चीख के बताते हैं कि ये कैसी दुनिया है, दुनिया चुप क्यों है, क्यों नहीं सुन रही कि कश्मीर पे कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं। आपको पता है गुज़िश्ता कुछ सालों से कश्मीर की जो आईनी जो हैसियत थी वो भी ख़त्म कर दी गई है भारत की तरफ से, और कश्मीर के 80 लाख आवाम भारत अफवाज का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हें घरों में मैसर कर दिया है, कश्मीर के चप्पे चप्पे पर भारतीय अफवाज के मोर्चे मौजूद हैं और पूरा कश्मीर एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। सख्त से सख्त मौसम में भी आज भी बेजा सर्च ऑपरेशंस और तलाशियों का सिलसिला ऐसे जारी है जैसे हर वक्त आवाम जो है वो तकलीफ में है, वो अपने घरों में भी महफूज नहीं है, और रोज माओं को अपने बेटों की लाशें जो हैं उनकी लाशों को उठाना पड़ता है, उनकी लाशों के गम से गुजरना पड़ता है, कभी कभार तो माओं को उनके बेटों की लाशें तक नहीं मिलती। तो पूरी दुनिया को हम ये चीख चीख के बताना चाहते हैं कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, लेकिन कश्मीर पे होता हुआ ये जुल्म जो पिछले 73 सालों से वो बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके लिए खुदारा कोई आवाज़ उठाए। आइए मैं आपको इसी दिन के हवाले से, जो कश्मीर के साथ पाकिस्तान की यकजहती है, इसी हवाले से कश्मीर के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं और ये देख रही है कि किस तरह जालिमाना तरीके से साजिश के तहत कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और उन पर कब्ज़ा किया गया है, हमारी ये दुआ है अल्लाह ताला कि वो अपने मकसद पर डटे रहें और वो कामयाब हों और उन्हें एक आज़ाद मुमलिकत मिले जिसमें वो आज़ादी से सांस ले सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रहिए हमारे साथ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारा सा, मज़ेदार और सीखने वाला शो है।
आज हम अपनी दो फेवरेट सेलिब्रिटीज को यहाँ बुला रहे हैं और उनके घर में जो मजेदार खाने बनते हैं, जिसकी मैंने दूर दूर से तारीफें सुनी हैं, क्योंकि जब वो अपने घर में दावत करती हैं तो उनके घर के खाने जो हैं उसकी बहुत चर्चा होती है दूर दूर तक, और इसीलिए हमने कहा कि क्यों ना हम उनको यहाँ बुलाएं अपने शो पर और उनसे जानें वो मजेदार रेसिपीज, बल्कि यहाँ पकवाएं। और घर में एक्चुअली मैं सच्ची बात ये, अगर आप हम लोगों से पूछेंगे ना आपके घर की जो रीढ़ की हड्डी है वो कौन है, तो जो हमारे साथ हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे हेल्पर्स हैं, जो हमारे घर में हेल्प करते हैं खाना पकाने की, घर को हाउस कीपिंग संभालने की, उनकी वजह से हम काम कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए वो बड़ी इज्जत के हामिल होते हैं, क्योंकि अगर वो छुट्टी करते हैं तो हम छुट्टी तो नहीं करते, लेकिन हम बड़ा स्ट्रेस में रहते हैं कि आज वो नहीं आए, आज घर में खाना कितना मजे का जो पकाते हैं वो कैसे पकेगा, आज क्या घर वाले बाकी जो है वो क्या खा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन लोगों की वजह से ही हम अपना काम बखूबी निभा पाते हैं। आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले बुशरा अंसारी अपने कुक बशीर के साथ, ये जिनका मैंने बहुत जिक्र सुना है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए बशीर। ओ बशीर भाई, आप तो बड़े मशहूर हैं दुनिया बशीर में, लाइफ लाइन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक बशीर, तो भाई बच्चे चले गए खैर से अपने बाहर, तो बशीर है जिसके दम से मेरे घर में रौनक है। बशीर भाई आपको तो हिचकी आती होगी, क्योंकि ये तो मुझे जब मिलती हैं ऐसा हो नहीं सकता कि बशीर का जिक्र ना हो। हाँ भाई बशीर तो मेरे सेट पे भी बहुत हिट है, क्योंकि मैं खाना ले जाती थी, बशीर ने बनाया, बशीर ने बनाया। कितने अरसे से बशीर आपके पास है? 13 साल से। अरे बाप रे, मतलब लाइक 13 साल एक बड़ा अरसा होता है। इतने में हम ग्रेजुएट, एक डेढ़ साल दो साल लगा के ग्रेजुएट हो जाते हैं इतने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। और बशीर को बच्चे क्या सारे, कल मुझे मेरी सुबह एक दोस्त से बात होती ह्यूस्टन से, कह लेगी मुझे तुम्हारे जाने की खुशी नहीं, मुझे बशीर को देखने की खुशी है। और बशीर जो है वो मतलब ऑल ओवर के बहरोज के घर में पाए बनने हो तो बशीर बनाता है। तो रुबीना को भी पता है, रुबीना को भी इसका खाना पसंद है, तो हमारा मतलब सब फैमिली। तो बशीर मिले कहाँ से थे आपको? बशीर बस एक और मेरे पास बशीर से पहले था साबिर। अच्छा। और ये सब उधर मनसहरा उस तरफ के हैं। अच्छा। उससे मुझे लाके थे, वो भी इसी तरह था साबिर, फॉर एवरीवन। अच्छा। तो अब खैर मेरे पास चूंकि जरा ज्यादा लोगों की गुंजाइश नहीं थी, साबिर कुछ और काम कर रहा है। अच्छा। लेकिन साबिर अभी भी मेरे साथ है। तो साबिर ने आपको बशीर से, साबिर ने बशीर दिया, जैसे साबिर था वैसे बशीर है। बशीर से कहते ये कर दे, वो ला दे, वो दे दे, पकड़ दे, वो पैसे यहाँ छोड़ा, वहां से ले आओ, बैंक से चले जाओ, सब कुछ एवरीथिंग। अच्छा, मतलब लाइक खाना पकाने के अलावा ऑल राउंडर। मैं एक काम आप सबको बल्कि बताऊं, और जो भी कर सके करें, मैं अपने सब हेल्पर्स मुलाजमों को ड्राइवर बना देती हूँ। खुद ही सिखाती हैं? नहीं, मैं उनको ड्राइविंग स्कूल में डालती हूँ। मैं बेउसूली नहीं करती कि लो गाड़ी लेके निकल जाओ, पहले उनको 3 महीने का वो कच्चा लाइसेंस, हाँ, फिर फीस भरती हूँ, फिर अपनी गाड़ियाँ भी ठुकवाई मैंने वैसे। कितना अच्छा आइडिया है वैसे। इसलिए कि आप देखिए, एक तो उसके पास एक हुनर और आ गया। हाँ। इसी तरह मेरे पास एक हेल्पर था अशरफ, वो अब चला गया कश्मीर। हाँ। तो वो अब इस्लामाबाद में जॉब करता है, तो उसकी अच्छी डबल तनख्वाह है, क्योंकि वो तो दो काम कर सकता है, और वो कन्वीनियंट भी है आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, इनके लिए भी। हाँ। कि ये चाहे तो कुक बन जाए, ये चाहे तो ड्राइवर बन जाए, तो ये एक समझे सदका जारिया है ना। बहुत अच्छी बात है कि लाइक ये अब बशीर को दोनों चीजें आती हैं। माशाल्लाह, जाओ बशीर मुझे एयरपोर्ट से लेके ये छोड़ दो, तो वहां से ये ले आओ। इनके पास अपनी बाइक भी है, लेकिन गाड़ी चलाते हैं और मुझे छोड़ के आते हैं, एयरपोर्ट से लेके आते हैं। मेहमानों को भी, मेरा कजन आ रहा है अमेरिका से, तो वो उसको लेके भी आएगा, फिर मुझे लेके जाएगा, फिर ये सब करेगा। बशीर ऑलराउंडर है। ये तो बहुत ही मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। हाँ। ये क्योंकि अब आप मतलब लाइक बच्चों की शादी हो गई है, तो फिर आप ड्राइवर अलग। नहीं नहीं, इससे पहले जो साबिर था ना, वो भी ऐसे था। अच्छा। वो ड्राइवर भी था, खानसामा भी था, तो वो लड़कियों को ट्यूशन भी छोड़ता था, वो लाता भी था, खाने भी पक रहे होते थे, फिर जो और 2-3 मुलाजिम थे उनको, वो उनका मैनेजर भी था। सफाई खाना पकाने का तो 2-2.5 घंटे का काम है ना, ठक 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 खत्म। भाई मैं तो हमारे घर में अब है ही क्या, मैं तो सारा दिन होती नहीं हूँ। हाँ। तो बशीर तो बैठ के बेचारा बोर ही होता है वैसे। लेकिन ये कि बशीर को पता होता है प्लम्बर का काम कराना है, या यहाँ जाना है, या ये हाउसकीपर भी होगा, सब कुछ सब कुछ एवरीथिंग, बैंक का काम भी यही करते हैं। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आज बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि हमने दो बहनों को इकट्ठा किया है। अच्छा, जब दो बहनें घर में इकट्ठी होती हैं तो वो एक अलग मिजाज होता है, लेकिन जब दो बहनें एक स्क्रीन पे इकट्ठी होती हैं तो फिर क्या होता है, ये आज आपको देखने का मौका मिलेगा। बड़ा मजा आता है। आइए वेलकम करते हैं, इनकी बहन भी बड़ी सलीकाशार हैं भाई, और आपको ड्रामों में बड़े बड़े कैरेक्टर्स करते हुए नजर आ रही हैं, बड़ी वैरायटी दे रही होती हैं अपनी एक्टिंग में, साथ साथ सलीका की इंतहा खाने अच्छे पकाती हैं, और तो डिजाइनिंग शुरू कर दी ऑनलाइन। ये देखिए, ये अस्मा अब्बास डिजाइन, अस्मा अब्बास अपने शेफ रशीद के साथ, अपने कुक रशीद के साथ।
और अपने डिजाइन के साथ और अपने बनाए हुए कपड़ों के साथ। वाओ, वेरी स्टाइलिश। मुझे क्यों नहीं दिए पहने? तो हमने पूरे खानदान ने मॉडलिंग भी किया, जारा ने भी किया, तो आप देखें अस्मा अब्बास डिजाइन पे जाए। स्टाइलिश। अंदर क्या? अंदर कुछ पतला कपड़ा है, लॉन टाइप? अंदर आप कुछ भी पहन सकते हैं, गरारा पहन सकते हैं, आपकी लाइनिंग भी पहन सकते हैं, ये जो चाहे करें। आई जस्ट लव इट। अच्छा, इसकी कोटियां, जैकेट्स, और इसकी मजे की बात बताओ जो तुमने इसका थीम बनाया है। थीम इसका क्या है? इसके ऑनलाइन हमारी लॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के नाम पे सब कपड़े हैं। जैसे ये मैंने पहना है नीली मिडी गाउन और ये कविता कुर्ता। ओ माय गॉड, दिस इज सो नाइस, वेरी क्रिएटिव। उनको याद रखने का एक यही तरीका। और क्या क्या है? दीपा गरारा, सुल्ताना गरारा, और हाँ संगीता जो है बेल बॉटम। हमारे प्रोग्राम में कब आप करी है? हाँ, तो कराए ना मॉडलिंग। और रुजीना प्लाजो, उस बेल बॉटम, मतलब सबके नाम। अच्छा, एक और बड़ा मजे का जिसके ऊपर डांसिंग वो बनी है, वो नरगिस कुर्ता, नरगिस डांसिंग क्वीन कुर्ता। ओ माय गॉड, ये तो चले आप माशाल्लाह, इसको आपने प्रोफेशन बना लिया कपड़ों। बस हो ही गया है ना, ये कोरोना की मेहरबानी है। मतलब उस वक्त कोरोना की मेहरबानी की वजह से हम काम नहीं कर रहे थे तो ये कर रहे थे, तो ये घर पे बैठ के ये कर रहे। ये हाला से लेकर आई है ये ब्लू वाली अजरक, बहुत अच्छी। और पता नहीं ये भावलपुर से कुर्ते बनाए। मैंने ब्लू अजरक नहीं देखी थी आज, पूरी इलेक्ट्रिकल ब्लू, ये और किस्म का ब्लू है। ये जो है ना, ये कलर बहुत कम होता है, होता है ब्लू में, एक और शेड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक ब्लू जो है ना, ये मैंने भी पहले। कितना मजा है ना पहनने ओढ़ने सब में, महारत खाने पकाने में। आपके खाने की भी बड़ी तारीफ है माशाल्लाह। आपकी सारी बहनें जो है वो खाने पकाने में अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। देखे जो लोग बातें मजे की बनाते हैं ना, वो खाना भी मजे का बनाते हैं। वाकई, जब बोर लोग होते हैं ना, बोर खाना भी बोर होता है। हालांकि मसाले वही होते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि ये मजा क्यों नहीं आ रहा। और एक बात और बड़ी मशहूर है, जो लोग सुरीले होते हैं उनका खाना भी सुरीला होता है। अच्छा, जैसे मैं भी अच्छा खाना पकाती हूँ, लेकिन मैं सुरीली नहीं हूँ। तबीयत से भी सुरीला होना पड़ता है, गले से नहीं। तबीयत से हूँ, लेकिन आवाज जो है ना, वो कहीं ना कहीं सुर की सेंस, यही तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जरूरी है। अच्छा भाई, बशीर के बारे में तो इन्होंने बताया, रशीद आपको कहाँ से मिले भाई? कितने अरसे से रशीद आपके साथ? रशीद तकरीबन 2 साल से है मेरे साथ। अच्छा, और इसको मैंने किडनैप कर लिया क्योंकि जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी, अपार्टमेंट जिसमें मैं रहती थी, वहाँ पे ये काम करता था। अच्छा, ये केयर टेकर था बिल्डिंग का। तो फिर उसके बाद वहाँ से मैंने, मेरे पास आता था रशीद, ये ला दो, वो ला दो, वो ला दो, ये ला दो। इसकी बीवी, इसकी बच्चा, सब लोग एक फैमिली की तरह हमारे साथ बहुत अटैचमेंट हो गई। अच्छा, मैंने वो घर छोड़ा, मैंने इसको भी अगवा कर। और क्योंकि अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं, लॉयल लोग बहुत कम मिलते हैं आजकल, तो जमाना ही नहीं। इसके पास मेरे घर की चाबी है, ये आता है जाता है, सफाई कराता है। तो इसको आपने खाना पकाना आपने सिखाया? जी, मैंने सिखाया इसको खाना। ये मजे हैं भाई, एक हुनर, वहाँ ड्राइविंग सिखा दी, यहाँ खाना पकाना। नहीं, तो खाना भी मैंने सिखाया है, माशाल्लाह इतना नहीं आता था शुरू में, और कुछ चीजें साबिर ने बताई थी, लेकिन अब माशाल्लाह बशीर को मतलब बहरोज ले जाता है, रुबीना खाने मंगवाती है, यानी बशीर पार्टी करता है मेरे घर में 20-20। मेरे घर में एक बाला थी ना, उनको सिर्फ 4-5 खाने आते थे। जब वो आई थी 15 साल पहले, उसके बाद मुझे कुकिंग शोज मिल गए, सारे कुकिंग शोज जो जो खाने सीख के जाती थी वो उनके अंदर, जैसे नहीं कंप्यूटर में स्टॉक करते हैं, वैसे ही उनके अंदर। मेरे भी घर में मैनेजर जैसे बाजी बता रही थी ना, मेरे भी बैंक के काम, मेरे सारे बिल्स देना, मेरे हर किस्म के कपड़े ले आओ कपड़े, क्योंकि मेरे ये काम भी तो है ना, ये भी दर्जियों के साथ भी सारी बातें। हमारी अपनी जगह, हमारे ये दोनों बच्चे हैं और बड़ा अच्छा हमारी हेल्प करते हैं हमारी जिंदगी चलाने के लिए। लेकिन मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके साथ काम करते हैं मुलाजिम, हेल्पर्स, आप उनकी तनख्वाह उनके काम की दे सकते हैं, मगर उनकी लॉयल्टी के कोई नहीं, पैसे नहीं दे सकते। नो वे, लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज है। हाँ। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, आप मेहरबानी करते हैं, आप उनका ख्याल करते हैं, फिर भी वो लॉयल नहीं होते, नहीं होते। अक्सर ये होता है कि कितना भी कर लो मुलाजमों के साथ, उन्होंने तो अपना आप दिखाना ही होता है। मैंने ये जुमला कभी नहीं कहा। पहले साबिर था 17 साल मेरे पास, तब भी मुझे ऐसा मसला नहीं हुआ कोई भी। माशाल्लाह बच्चियों की शादियों के जेवर शेवर सब उसके पास, मतलब जैसे के एक पंजाबी की मिसाल है, मेरे सिर थल्ले सराहना थी, मेरे सर के नीचे तकिया था। इसी तरह अब ये है, इसके अगर मेरे पास 2,000 रुपए या 2,00,000 रुपए या जो भी है घर में, वो सब इसको पता चल रहा है। बैंक शैंक सब इधर है, जेवर भी इधर है, सब कुछ। तो एक्चुअली तो यही होता है ना कि आप कितने भी टैलेंटेड हो,
उस सब पे भारी होती है चीज, लॉयल्टी। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ फिर आपने इनका पूरा ख्याल भी रखना जी, बहुत जरूरी, इनके मसलों का, इनकी हाँ। फैमिलीज का, और वो जो भी आपकी हिम्मत है आप करें, लेकिन फिर वो चीज आपने इनको ऑनर देना है, रिस्पेक्ट हाँ। देनी है इस काम की, बहुत जरूरी। अच्छा आप तो आप क्या बनवा रही हैं और आप क्या बना रही हैं अपनी रेसिपी बताइए। मैं बताती हूँ, बशीर जो है ये लेमन चिकन बनाएगा। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट सी चीज है, वैसे हाँ। तो कढ़ाई वढ़ाई सभी बना लेते हैं, मैंने कहा चलो, और साथ में करेले की भुजिया विदाउट कोई गोश वोश नहीं है इसमें। अच्छा, तो सरसों के तेल में करेले की भुजिया, और ये बस दो चीजें, और चावल उबाल देगा बस साथ में, क्योंकि लेमन चिकन चावल के साथ खाते हैं। ओके, और आप आपके क्या, मेरे घर में ये अचानक कोई आ जाता है। अच्छा, अचानक ही ना, झटपट, हाँ प्लान ही नहीं होता है अब क्या करें रशीद, तो मैंने अपनी तरफ से क्रिएट करती हूँ डिशेस। अच्छा, तो ये है झटपट चिकन, झटपट चिकन, फौरन बन जाए। अच्छा, ये फौरन बन जाएगी सबके घरों में, ये आराम से झटपट चिकन एक चूल्हे पे वो रखा और फौरन मटर पुलाव साथ बनाया। ओह, ये आराम से एक बड़े झटपट चिकन बन गया, साथ मटर पुलाव, और साथ मटर पुलाव, उधर लेमन चिकन और करेले और चावल, और चावल बॉयल। हाँ जी, तो हम कहाँ से शुरू करें, आपसे शुरू करें, चले जी। और सबसे बड़ी बात जो मैं मेरे प्रॉब्लम में प्रॉब्लम वो ये है कि लोग चावल का पानी फेंक देते हैं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ। अच्छा, इसलिए कि आपका ख्याल है कि आप स्टार्च फेंक रहे हैं तो आप कम मोटे नहीं होंगे, जो मोटे हैं वो तो उसके बावजूद मोटे हैं। सारी जिंदगी हमने बराबर चावल पानी में चावल बनाया, मैं तो देसी घी भी डालती हूँ, हम तो मोटे नहीं हुए। हाँ? तो आप चावल का सारा न्यूट्रिशन तो फेंक देते हैं। आपको पुलाव क्यों मजे का लगता है, बिरयानी क्यों मजे, क्योंकि उसमें से आपने पानी नहीं फेंकनी, बिरयानी का भी लोग पानी फेंकते हैं वो चावल का। हाँ? तो आपने जो भी चीज जैसे पालक का भी सुना लोग पानी फेंक देते हैं, या काबली चने उबाल के फेंक देते, अरे सारी जान तो निकल गई, आपने क्या अखबार का फोक खाया आपने। तो मेरे घर में चावल बराबर पानी में बनते हैं, उसमें थोड़ा देसी घी होता है, आप उबले हुए चावल भी यूँ खाते हैं वो मजे के। अच्छा, चावल जो है वो घिप नहीं हो जाते, बैठ नहीं जाते बराबर। देखिए, दो कप चावल है ना, अगर जो हाँ। भी दो कप है या दो ग्लास है जो भी चीज, अगर ये हाँ। तो चार कप पानी है, अल्लाह ताला ने ऐसा हिसाब बराबर हाँ। उसमें आपको कोई नापना तोलना नहीं है, ये दो कप चावल है तो ऐसे ही चार कप इसी के। आप कौन सा चावल इस्तेमाल करते हैं? मैं नाम ले लेती हूँ, जजा, मेरे प्यारा में उसके बच्चे, लेकिन बासमती है वो हाँ, क्या हाँ, नहीं, और कौन सा आजकल हम ले रहे हैं, जजा का बासमती है या क्या टोटा है, तो नहीं टोटा तो छोटा था, जो अच्छा बासमती है ना, और बिरयानी सेला में बनती है कि बासमती। अच्छा भाई, हमारे घर बिरयानी बनती है, सॉरी साफ जवाब है, हम पुलाव पीपल है, पुलाव पीपल, बिरयानी सारा को बड़ी पसंद। हाँ, वो कराची वाले खाते हैं बिरयानी, हम तो भाई पंजाबी, हम तो पुलाव खाते हैं, पुलाव। अच्छा, तो आपको घर आता है बासमती चावल? हाँ, बेहतरीन चावल का मेरा भी बड़ा मसला है कि आप भी सेला नहीं खाते? नहीं, सवाली पर तो टोटा सेला ये हमारे घर बिल्कुल नहीं आते, बल्कि रशीद से जाके कहते हैं रशीद और लंबे चावल, लंबे चावल, और चावल को 90 मिनट 60 मिनट भिगोना भी होता है। ओके, ये भीगे हुए ना बनता है, मैंने इसको क्या कहा, जाते चावल भिगोना, भीगे रहे हाँ। जब आपने जल्दी जल्दी उबाले तो वो बात ही नहीं, वो खिलते ही नहीं है। चावल जितनी अच्छा भीगेगा और जितना अच्छा चावल होगा हाँ। अच्छा, तो उसके बाद हम ऐसे करते हैं, रेसिपीज इनसे शुरू करा देते हाँ, ताकि एंड तक बन जाए हाँ, और फिर हम गप्पे मारते हैं और हम पूछते, मैं आपसे टिप्स लेती जाती हूँ दोनों से, सही ना, कि क्या है चावल और ये वो सारी चीजें मैं आपसे टिप्स लेती हूँ। तो हम किससे शुरू कर रहे हैं बशीर भाई? नहीं नहीं, क्या चिकन बनाएंगे या करेले? पहले क्या, लेमन चिकन, चले इसकी रेसिपी बताओ, क्या क्या, क्या चाहिए उसमें बताओ, नींबू मंगाया था ना हाँ, हाँ भाई चिकन में नींबू, तो कैसे बनेगा ये? इसमें तेल डालेंगे, ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, अच्छा, के बाद चिकन डाला, इसमें तेल डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर चिकन डाला वो हल्की सी भुनाई कर ली उसकी जी, और सोया सॉस डाला। अच्छा, जब वो जब चिकन थोड़ी सी व्हाइट हो जाएगी तब सोया सॉस डालेंगे, कितना? एक चम्मच बड़े वाला। चिकन आपने कितनी ली थी? चिकन आधा किलो। फिर एक चम्मच बड़ा वाला सोया सॉस डाल दिया, एक चम्मच सिरका डाल दिया, एक चम्मच नमक हो गया, और काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च, गरम मसाला हो गया, और दही कुछ फेट के इसमें डालना है, थोड़ा भून, दही फेट के डालेंगे। अच्छा, ये सब मसाले दम में इसी को जो है पकाना है। ओके, दही वाले दम में इसको पकाया, और लेमन कब डालेंगे? फिर आखिर में काट के छोटे काट के टुकड़े भी डालेंगे ना। अच्छा, मतलब कि जब ये पूरी पक जाएगी दही के अंदर, और उसके बाद आप लेमन के टुकड़े भी डालेंगे, मतलब छोटे छोटे पतले पतले, जैसे हम बिरयानी में वो लगाते हैं दाम, तो वो उसका फ्लेवर आता है। अच्छा, और निचोड़ के नहीं डालना लेमन, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े सिर्फ स्लाइसेस डालने, आप किसी को खट्टा, वैसे तो दही से हो जाता है, थोड़ा और खट्टा करना चाहिए, सरका भी डाल देंगे, सिरके से भी हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा मैं दोबारा से बताती हूँ, इन्होंने रेसिपी बताई लेमन चिकन की। इन्होंने पहले तेल डाला, उस लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, चिकन डाली, ठीक है, ऐसे ही था ना। उसके बाद इस पे इन्होंने सोया सॉस डाला एक चम्मच, नमक डाला, काली मिर्च डाली, सिरका डाला, फिर दही डाली, और कोई मसाला था नमक और काली मिर्च के अलावा? दालचीनी डाली। दालचीनी डाली थी, साबुत या पिसी हुई? साबुत दालचीनी, और कोई मसाला नहीं है ना। ये डालने के बाद दही डाल के इन्होंने दम किया, उस पे चिकन पकी, और उसके बाद लेमन के स्लाइसेस पतले पतले काट कर उसके ऊपर लगा दिए। और शोरबे में ऐसे हो जाएंगे जैसे हल्का सा ग्रेवी होगा ना, उसमें वो लेमन के टुकड़े नजर। और कितने 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 देर तक लेमन, मतलब कितने खाने से कितनी देर पहले लेमन डालना है इसमें? ये आखिर में डाल दें, आखिर में डाल दें बस, और फिर उसकी उसी के दम में जो है वो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। सही है भैया, हमें समझ आ गई, ये रेसिपी बन रही है अभी यहाँ। और एक रेसिपी हम उधर भी शुरू करा देते हैं रशीद भाई के पास। रशीद भाई आप सबसे पहले क्या बना रहे हैं? मैं चिकन बना रहा हूँ सबसे पहले। चिकन झटपट, झटपट चिकन की रेसिपी क्या है? इसमें पहले आप थोड़ा सा उसमें चिकन फिर लहसुन का पेस्ट। अच्छा आप बोनलेस ले रहे हैं कि आप बोन्स के साथ ले रहे हैं, उसकी हड्डी के साथ ले? हड्डी के साथ, हड्डी के साथ। आप हड्डी के साथ, आप भी हड्डी के साथ ही बनाएंगे? ठीक है। अच्छा आपने ली एक किलो चने ले ली? जी एक किलो चिकन ली जी, उसमें लहसुन का पेस्ट डाला, ठीक है, कुटी हुई मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं वो डाली, और इनको दम कर दिया। अपने पानी में पकेगा। अभी हमने लहसुन अदरक अदरक कुछ नहीं, सब कुछ डाल दिया हमने। लहसुन अदरक तेल, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, चिकन, नमक और कुटी हुई लाल मिर्ची, ये हमने सब कुछ डाल दिया। इसको 15-20 मिनट के लिए दम कर देंगे, वो अपना पानी छोड़ेगा, ठीक है, वो अपने पानी में पकेगा, उसको खुश करना, फिर और लेमन जूस। ये झटपट चिकन है जी, खाली नमक और कुटी हुई लाल मिर्ची डालना। हाँ मैं आप हल्दी, गरम मसाला, जीरा, कुछ भी नहीं, मतलब आपके घर में कुछ नहीं भी है तो भी बन जाएगी सिर्फ कुटी लाल मिर्च, झटपट इसलिए तो उसका नाम है। तेल, लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ये डाल के जी आपने दम पे छोड़ दिया। पानी, लेमन जूस और लेमन जूस, ये पानी छोड़ेगी चिकन, उसी में गलेगी, भुनाई होगी, उसके बाद हल्का सा ऑयल बस हल्का सा डालना, जब हो जाएगा तब खत्म, बस बात खत्म। झटपट चिकन तैयार। और इसी तरह मैं झटपट ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद बहुत सारे गप्पे क्यों के हैं यहाँ गपूड़ी बहने। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास बहुत ही मुख्तलिफ स्टाइल में हमारे सामने है। ये अपने जो घर के शेफ्स हैं, जो इनके हेल्पर्स हैं, उनके साथ आई हैं और अपने मज़ेदार रेसिपीज आपसे शेयर करी हैं जो घर में इनके बनता है। यहाँ जो बुशापा के बशीर भाई हैं वो बना रहे हैं लेमन चिकन, और दूसरी तरफ अस्मापा के जो रशीद भाई हैं वो बना रहे हैं झटपट चिकन। ये तो चढ़ा दी ना, मतलब ये भी चढ़ा दिया ना। हाँ भी चढ़ा दिया। अच्छा आपका रूटीन क्या होता है वीकली खाने का? आप लोगों के घर में ज्यादा गोश्त, चिकन खाई जाती है, गोश्त खाया जाता है, दालें खाई जाती है, क्या आपका बुशापा और अस्मापा दोनों बताइए। मैं तरफ देख रही मैं मटन पर्सन हूँ। अच्छा। मैं चिकन को काफी कम, मतलब महीने में एक दफा जैसे चलो ये खा लिया। हाँ। मुझे चिकन की, पोल्ट्री की, जो मुझे इकरारुल हसन ने वीडियोस दिखा दी उसके बाद मैं कहीं की नहीं रही, तो मैं उसके बाद बहुत ही मुश्किल से कभी कभी खाती हूँ चिकन। अच्छा। और बाहर तो बिल्कुल ही नहीं खाती, खैर। हाँ। मतलब बाजार से नहीं खाती क्योंकि बिल्कुल ही मुझे लगता है कि वो मुर्गी किसी के पाँव के नीचे आके मर गई होगी और उन्होंने पका दी होगी, तो मैं नहीं खाती, या उसे बुखार होगा हल्का हल्का, उन्होंने बस। अच्छा। लेकिन मैं मटन पर्सन हूँ, पर हर रोज मटन नहीं, हमारी अम्मी के घर में तो हर वक्त मटन ही मटन था, दाल में भी मटन पकता था। अच्छा। हमारे अब्बा ने बगैर किसी गोश्त के कुछ भी नहीं खाया ना, तो मतलब सरसों के साग में भी उनका बस चलता तो मटन था। तो आप सब्जी की शौकीन है? सब्जी दाल की बहुत शौकीन हूँ, और लेकिन मटन का मुझे अच्छा लगता है, आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, टिंडे गोश्त, सबको भिंडी अब मैं नहीं बनाती मटन में, लेकिन गोभी गोश्त, शलजम गोश्त, आलू गोश्त, ओके, तो हफ्ते में एक आध दफा मटन बन जाता है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर कड़ी छोले, मैं सबको ये भी कहना चाहती हूँ कि जो चीज महंगी हो जाए उसको छोड़ दें। हाँ। अगर आपकी रेंज से बाहर है, मतलब आप चीनी के चोर, चीनी माफिया, चीनी 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 लगाई होती है, मेरा दिल चाहता है मैं कह दूं चीनी छोड़ दें। हाँ। चीनी वैसे भी अच्छी नहीं है, आप गुड़ पे चले जाएं। मैं सीरियसली गुड़ की चाय पीती हूँ, बिल्कुल ठीक है, सच्ची है। हाँ, मैं एक कप चाय पीती हूँ। आपने चीनी का रट्टा मचाया है, भूखे मर रहे, चीनी के बगैर मर जाएंगे, नहीं मर सकते आप चीनी के बगैर, आप आटे के बगैर मर सकते हैं, क्योंकि रोटी खानी होती है। तो इसलिए मटन महंगा है तो छोड़ दें, आप उसकी जगह अल्टरनेट पे चले जाएं, लोबिया बनाएं,
और दालों में भी प्रोटीन है, सब्जियों में बहुत कुछ है, तो आप अल्टरनेट में चलिए। आप दाल सब्जी और मटन, हाँ, ये आपका वीकली होता है? हाँ, एक साथ हफ्ते का सौदा मंगा लेती है? नहीं, हम जहाँ रहते हैं ना क्रिकेट में, तो नीचे मार्ट है, वैसे ये ले आते हैं, बशीर कहीं से वहीं से भी ले लेता है। रोज का रोज आता है ताजा ताजा? नहीं, गोश्त तो फिर आके पैकेट बना के रखता है। हाँ। लेकिन ये कि सब्जी थोड़ी थोड़ी लाता है, क्योंकि इतनी बन भी जाए तो दो दो दिन खत्म नहीं होती। हाँ, तो ये ताजी सब्जी? हाँ हाँ हाँ, सब्जी ताजी, सब्जी नहीं। आप धनिया पुदीना वो नहीं अखबार में पैक करके रखने वाला, कितने बार जब खत्म? इतने दिन क्यों रखना है, एक दो दिन का होता है, क्योंकि घर में अक्सर करते हैं ना लोग। नहीं, अगर दूर रहते हो या सब्जी सौदा लाना मुश्किल हो तो एक अलग बात है, ये तो मौजूद है, नीचे तो मार्ट है, हर चीज तो मिलती है। और आपके घर क्या रूटीन होता है? मेरे घर का रूटीन ये है कि मुझे तो वैसे सब्जी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास क्योंकि मेरा छोटा बेटा अहमद आ गया हुआ है। अभी तो आप कराची में है ना? जी जी, लेकिन जब की बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, तो वो तो गोश्त, सिर्फ गोश्त, कुछ नहीं, सीधा वो नाना पे गया है, रास्ते में नहीं रुका, कुछ नहीं खाता। वो कहेगा कुछ भी बना लें, और अगर मैं कुछ बना लूंगी तो फिर कहेगा अच्छा, तो अच्छा चले मैं बाजार से मंगवा लेता हूँ। फिर मैं कहती हूँ रशीद से, रशीद भाई गोश्त बनाए जा। अच्छा, मटन या बीफ? मटन, 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 बीफ। अच्छा। और चिकन जो है वो भी, ये मैं उसको कहती हूँ, उसको पसंद है चिकन भी पसंद। अच्छा। है तो मैं कहती हूँ रशीद पहले उसको भगाना मुर्गी को पहले देखना, वो ऐसे है तो उसका मतलब वो सही नहीं है। हाँ। जरा सी थोड़ी सी ऐसे होगी तो उसका मतलब सही है, सही है। और कटवा के लाना, कटी हुई मुर्गी नहीं, हाँ, पहले या फ्रोजन मुर्गी। हाँ। या हम बिल्कुल उसके खिलाफ है। अच्छा, जो सब्जियां और दालें वाले आपके घर इतना शौक से नहीं खाता ही नहीं है वो? हाँ, तो फिर मैं तो सब्जी कभी कभी ये बनवा लेती हूँ, तो वो फिर मैं ही अकेली खाने वाली होती हूँ, वो कोई खास नहीं खाता ना। मसाले आप लोग डब्बों के इस्तेमाल करते हैं या ताजे? नहीं, नहीं, ताजे, ताजे, ताजे। आप भी? हमारे घर तो गरम मसाला ये पीसता है। हाँ। और बाकी चीजें तो पीसी भी आती हैं, लेकिन जीरा पीसता है या गरम मसाला या सूखा। हाँ। धनिया वो खुद पीसता है। जो बिरयानी बिरयानी तो आप खाती नहीं है, पुलाव या कोई कोई भी गोश्त का मसाला? नहीं, पुलाव में तो साबुत गरम मसाला पड़ता है। मसाले बने बनाए मसाले हम यूज नहीं करते। वैसे अच्छे मसाले, मैं वैसे कनाडा से पिसा हुआ गरम मसाला लाती हूँ, सच्ची वहाँ पे ईमानदारी है ना, तो वहाँ वो बड़ा मजे का मसाला होता है। वरना ये घर में खुद पीसता है, पहले उनको धूप में रखता है गरम मसालों को, जब कड़क होते हैं फिर क्रिस्पी हो जाते हैं, फिर आप अच्छा ये बड़ी अच्छी टिप है, मैं जो पिक कर रही हूँ, गरम मसालों को धूप में रखा आपने, उसके बाद फिर अच्छी तरह जो कड़क हो गए, क्रिस्पी हो गए ना। हाँ। फिर वो अच्छे पिसते हैं। और लाहौर में मेरे घर में, लाहौर वाला घर जो है असल मेन घर तो वही है ना, यहाँ तो मैं और मेरा अहमद छोटे रहते मुसाफिर हैं, ऐसे बस आए चले गए, बस वहाँ तो खाना ही खाना बनता रहे, हर वक्त फेस्टिविटी है खाने तो की। बस खाना ही जिंदगी है। और जैसे मैं अभी पहुंची हूँ ना, अभी आज पहुंची हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी इतना बड़ा आ जाएगा, 10 किलो बोंग आ गई है ना, अम्मा आई है, अब अम्मा बोंग पकाएंगी। हाँ जी, अम्मा मशहूर हो गई क्योंकि अम्मा जब आई है कराची से, अच्छा जी मैं अपने घर वालों से मिली, तो अम्मा आई है तो बोंग आई है, पकाएंगी। हाँ जी, वो विक्की फौरन ले आता है ना बड़ा वाला बेटा। हाँ। और फिर वो अम्मा मैं खुद लेकर आया हूँ, फिर फटाफट बोंग आती है, फिर उसके बाद फिर अब्बास को शौक है। अच्छा, वो तो बेड खाने का शौक है, पकाने का बहुत शौक है। अच्छा, खाने का इतना नहीं है और पकाने का है कि मैं पकाऊं, वो तो बेड के ऊपर देख कर रख लेते हैं, उसके अंदर बोटियां डल रही होती है, उसके नीचे जाल बिछाऊंगा, उसका अपना हड्डियों का जाल। हाँ। होगा उसके ऊपर, फिर ये होगा, एक लौंग होगा, ये देख देख के रहे, और नमक, नमक गोश्त बना, नमक गोश्त, लेकिन वो बिल्कुल मतलब जब मैं खाती हूँ कहती हूँ वैसे इसमें कोई बात है नहीं थी। जितनी लंबी तैयारी थी कि ये होगा, जाल बिछेगा। नहीं, मेरे लिए भी बना था एक दिन, छोटी छोटी बोटियां करके, फिर तू देखना ये, और ये अपना पानी छोड़ेगा, ताजा गोश्त आया फ्रीजर का नहीं है। हाँ, और ये अपना पानी छोड़ेगा, इसमें नमक और कुछ भी नहीं, और पता नहीं लौंग है दम में, बड़ा अच्छा गला हुआ था वैसे वो। हाँ। लेकिन वो कोई उसकी एक्साइटमेंट, उसकी तैयारियां हैं बस। हाँ। और फिर माशाल्लाह बड़ा खानदान है, तो 5 किलो गोश्त फिर वो बुला लिया जाता है फोन करके, मेरी जो है बहू के पेरेंट्स को, आप भी आ जाए नीलम बाजी, आप भी आ जाए, क्योंकि 10 किलो कौन खाएगा भाई। और फिर उसके बाद वैसे भी मेरे घर में माशाल्लाह खाने का तो कोई वहाँ। हाँ। 3-4 सालन तो बस ऐसे पक रहे, और 4-5 तो नौकरी है मतलब। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो लेकिन गोश्त गोश्त ज्यादा पकता है। मैं से सब्जी खाती हूँ, मुझे सब्जी पसंद है। कौन सी सब्जी आपकी फेवरेट? मुझे शलजम पसंद है। शलजम? कभी शलजम का अचार खाया है आपने? खाया है, लेकिन हमारे घर में बहुत शलजम का अचार डला है। शलजम पसंद है, गोभी पसंद है, हर किस्म की सब्जी पसंद है। सब्जी हमेशा, सिर्फ एक थोड़ी सी मुझे मेथी पालक नहीं इतनी अच्छी लगती। अच्छा, मेथी आलू, मेथी आलू। तो आप लोग मसाले तेज खाते हैं हल्के? नहीं नहीं नहीं, हल्के चटपटे, चटोरियां, अचार और ये वो? मैं इसकी शौकीन है चटनी और अचार के, तो मैं एक साल से अचार ही नहीं खाया, कोरोने से डर के गाय गला खराब ना हो जाए, बहाना ही ना बन जाए कोई ना, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, बहाना नहीं दे रही इस वक्त मैं, अल्लाह ये माफ करे। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत अचार कभी दाल चावल के साथ खाते भी थे, अब वो भी नहीं खा रहे। तो बहरहाल, लेकिन मेरे घर में तो सब्जी ज्यादा बनती है, और दालें भी बहुत बनती है। माश की दाल का बड़ा रोमांस है मेरे साथ,
कि बड़े बड़े दाने वाली माश की दाल लाहौर से आती है, मैं यहाँ वाली दाल नहीं खाती, इतनी इतनी सी दाल है। और हम कुछ छिलका, ये रात को भिगे होता है, छिलका निकालते हैं। फेवरेट दाल कौन सी आपको? फेवरेट तो मूंग मसूर ज्यादा है ना, मूंग मसूर, पीली दाल, पीली दाल, पीली दाल तो पकती रहती है। रुबीना कहती बस बशीर की दाल एक तरफ है दुनिया में। रुबीना बीमार थी, उसके बाद उसकी मेड चली गई थी, तो बशीर एक महीना खाना पहुंचाता रहता। और मैंने भी कहा रुबीना जो मुझे कहे मैं वो बनाऊं, क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पे, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकी। और इतनी परेशान थे हम लोग ये फोन पे, हम लोग कैसे आपस में बात कर रहे थे, ये भी वहां थे, तो मैं टोरंटो से उसको फोन कर, उसके लिए तो हम बिल्कुल ही जा ही पड़े थे। तो मैंने कहा मुझे बताओ तुमने क्या खाना, फिर कलेजी बना बना के दे रहा था, फिर वो कहती मुझे ये खाना है, मुझे पुलाव खाना है बशीर के हाथ का। तो एक महीना बशीर ने उसको ये देखे, दोस्ती की इंतहार है, मतलब इतनी परेशान थी ये, एक बंदा जो बाहर होता है, जाहिर है। और फिर उनकी दोस्त यहाँ इस हालत में, तो ये कभी मुझे फोन करें, कभी मीना को फोन करें, मतलब कौन था नहीं जो कराची में जिसमें। हाँ, और फिर अच्छा बहुत दफा मीना हमसे बात नहीं हो पाती थी, तो फिर हम आपसे लेते थे। बिल्कुल, मैं वहाँ पर, मेरी दोस्त है डॉक्टर रुबीना, जिसका रुबीना ने भी जिक्र किया था जियाउद्दीन में, मैं उसको उठाऊँ आधी रात को, जाओ देखो मीना के लिए। उसने कहा फिक्र ना करें, आप समझे मैं, आप खड़ी है यहाँ पे। तो वो मैंने कहा, वो डॉक्टर वहाँ, एक डॉक्टर उसामा भी इसके साथ था, सब हम सब एक दूसरे के साथ इन टच थे, लेकिन मैं फिजिकली नहीं थी ना। तो बहरोज माता कह रहा चुप हो जा, रोती रहती थी, रोती बहुत है। मैं बहरोज को, बहरोज बहरोज कहा चुप चुप, रोना नहीं है। मैं मुझे पता नहीं, एक दिन सभा ने फोन किया, बहुत पैनिक थी मैं, कहीं पैदल चल के बैंक जा रही थी, मैं वहीं बैठ गई बेंच के ऊपर, भाई भाई करके मैं रोने लगी। बहरोज को फोन किया, सबा अमीद। हाँ अच्छा, तो बहरोज ने कहा रोना नहीं, रोना नहीं, बस सब ठीक है, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। बहरोज तो माशाल्लाह हम सब के लिए, खुद से हो गया। हाँ खुद को भी हो गया, तब भी मैं रोने लगी। रोज मैं तुझे फोन नहीं करी, मैं बहुत रोना आ रहा है, क्या लगा नहीं बस मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। आप तो यही थी ना जब बहरोज? हाँ बहरोज को तो मैं यही थी, शुक्र अल्लाह का कि बस। ओए होए होए, हाय हाय हाय। अच्छा भी कौन सा ऐसा, मतलब सैलड खाने वाले शौकीन होते हैं कुछ, कि हमारे घर में खीरा टमाटर ये वो तो पकेगा पकेगा, ये शौकीन सैलड? मेरे घर में पुदीना ना हो तो वो घर में भी शौकीन हूँ अगर मिल जाए तो, लेकिन मूली शूली वगैरह, मूली बहुत, मेरा तो गुजारा नहीं है भाई मौसम है ना सलाद के बगैर। और मेरे घर में हर वक्त पुदीना होता है, मेरे अब्बा कहते थे ऐ कर हर वेले पुदीना होता है। अच्छा मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग आजादी से, हम लोग अब जो खाना है पीना है, कितने हम आजादी से मतलब सांस ले रहे हैं माशाल्लाह। मुझे सिर्फ ये होता है, आज जैसे 5 फरवरी है और पूरी दुनिया में कश्मीर के साथ यकजहती का दिन जो है वो हम इसलिए मनाते हैं ताकि दुनिया को बता सकें कि हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ बिल्कुल क्या हो रहा है। एक अरसा ही हो गया है कश्मीरी भाई जो है वो एक मुसलसल जबर के अंदर जंग की हालत में, मतलब हम तो आंख खुली, आदत हो गई इस बात की और हमें आदत सिर्फ सुनने की हो गई, और जिन पे गुजर रही है उनका क्या, उनकी नस्लों की नस्लें वो उस जबर के साथ जिंदा है। अल्लाह ताला पता नहीं वो दिन हमें कब दिखाएगा कि कश्मीरी अपनी आजादी देख सकेंगे और सुकून से सांस ले सकेंगे, क्योंकि हमने पिछले हम लोग हर साल शो कर रहे होते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसे कश्मीरी आके बैठते हैं जो कराची में रहते हैं और उनके रिश्तेदार जो है वो उधर, तो वो हमें बता रहे होते कि मतलब वहाँ से जो फर्स्ट हैंड नॉलेज उन्हें मिल रही होती है, कभी उनका कोई भाई जो है वो है बाहर सऊदी अरब में या कहीं, तो वो नॉलेज देता है कि भाई ये है। और मैं देखती हूँ कि सबसे बड़ी बात, मैं मिली थी मिशाल मलिक से जिनके मियाँ यासीन मलिक, कितने साल हो गए, इतनी यंग सी प्रिटी सी लड़की है और उसने कैसा एक अपना, कैसी जिंदगी वो गुजार रही है बच्ची के साथ, कि मियाँ को मिले हुए 6-7 साल हो गए। हम इस वक्त, हम सब जो इस वक्त यहाँ खड़े हैं, एक मिनट की खामोशी जो है वो हम इस लिए कर रहे हैं, ये सोच के कर रहे हैं कि काश कश्मीर आज़ाद हो सके और वही ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं आज़ादी से वो गुजार सकें। कश्मीरी भाइयों से यकजहती के इजहार का एक तरीक़े कार है हमारा, एक तरीका है जो हम अभी कर रहे हैं, एक मिनट की खामोशी।
ये वो जो जज्बात हैं वो कंट्रोल में करने के लिए एक छोटा सा वक्फा लेना ज़रूरी है हमारे लिए। छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बुशरा अंसारी एंड रस्मा अब्बास आज हमारे साथ हैं, अपने अपने हेल्पर्स के साथ। यहाँ बशीर भाई हैं और यहाँ रशीद भाई हैं। बशीर भाई बना रहे थे जी लेमन चिकन, तैयार है? शक्ल दिखाएं जरा और स्मेल देखना, कितनी प्यारी खुशबू आएगी। अच्छा ये अभी पानी इसका खुश्क होगा या ग्रेवी रहेगी? इतनी रहेगी ग्रेवी। जरा मुझे प्लीज इसकी शक्ल दिखाएं। ये पता है ये उबले हुए चावलों के साथ खाते हैं, जैसे समथिंग लाइक थाई टाइप खाना नहीं होता? ओ, तो वो अच्छा। होता वैसे। इसमें एक आपस की बात है, इसमें वो भी डलता था चाइनीज सॉल्ट जो अब मना है। अब मना थोड़ा सा डाला है हमने, लेकिन मना है उसकी जगह हल्का चिकन पाउडर। मैं तो मरने लग जाती थी इतने से। अच्छा मैं वहाँ पे भी जरा देखूँ शक्ल क्या हुई है झटपट चिकन की और चावल की। उसके बाद हम नेक्स्ट रेसिपी पे चल रहे हैं। हाँ भाई जरा दिखाएं, यहाँ से कैमरा लाएं प्लीज, जरा झटपट चिकन की हुई है रेडी हो गया। झटपट चिकन की जिसमें खाली कुटी में लाल मिर्च तैयार है और तैयार है। झटपट हो गया ना, अभी मेहमान आके बैठे हैं तो खाना पका, खाना तैयार जबरदस्त। टमाटर भी डाले आपने? टमाटर। टमाटर क्यों हमसे छुपा के रखे? हमें तो आपने टमाटर का बताया था। नहीं भूल गई है शायद, हाँ वरना मुझे याद होता। अच्छा अब दोबारा से बताते हैं इसमें। ये कुछ कढ़ाई टाइप बनेगी मुझे लग रहा है, झटपट चिकन। इसमें लेमन भी है कढ़ाई। अच्छा इसमें आपने तेल डाला था? याद गया, वो ग्रेवी मसाले नहीं, बहुत कीचड़ टाइप नहीं है। ये रेसिपी पे हम अपने घर में कढ़ाई बनाते हैं। हमारी मेरी सास जो है यासे की अम्मी, मरुमा, प्याज नहीं है, प्याज नहीं होता हमारी कढ़ाई। वो क्या करती थी, वो ये कढ़ाई बनाती थी। उनको एकदम होता था कोई आ गया झटपट, तो जैसे ही मेहमान आए उन्होंने क्या किया, यही तेल डाला, मुर्गी डाली, उसको भुनाई की, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और फिर उसके अंदर टमाटर। ये वाली रेसिपी हमारे घर में बनती है। लहसुन अदरक हमने डाला था? लहसुन अदरक, हाँ लहसुन अदरक भी डाला। हल्का सा पानी पहले डालेंगे ताकि ये जले ना, जले ना, और उसके बाद फिर मटर डालेंगे। दूर हो जाओ पानी के, आवाज आएगी फुल। कुकिंग सोच कर करके पता चल गया मुझे। अच्छा देखिए कुछ बहुत मजे की अभी से खाली। अच्छा इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डलता? अच्छा वो पुलाव जो दूसरा है ना मटन पुलाव, उसमें गरम मसाला, मटर का जो एक्चुअली एक्सट्रैक्ट है वो इसका फ्लेवर देता है। चिकन पाउडर भी मैं डाल देती हूँ उसके लिए, जरा उससे हो जाए। अच्छा मुझे बात बताएं ये मटर जो है कितनी देर में तकरीबन गल जाएंगे? जल्दी गल जाता है, तीन चार मिनट। और फिर पानी आप चावल के हिसाब से मुझे बताएं। लाहौर से मटर लेकर आई हूँ। पूछो छिला के बाजी पांच। लाहौर के मटर का कुछ खास बात है? मोटे मटर थे। हाँ ये देखो ये वाले मटर जो है इसमें जरा थोड़ा फर्क है। अच्छा ये आधे एक रंग के, आधे दो रंग के, दो रंग के डबल शेड के मटर है और बहुत छोटे और नरम होते हैं बहुत कराची में ना। तो पता नहीं लाहौर की शायद खाद बात का कोई मसला है। हाँ तो कराची में मलीर के मटर मशहूर। तो वो मैं लाहौर से 5 किलो मटर अभी गई थी लेके, तो उसको छिलवा, मेरी मूलियां नहीं ना लाई, ये मेरी मूलियां नहीं लाई। मूलियां पंजाब से मैं लाहौर की मूली खाती हूँ। हाँ ऐसी क्या बात है? और भाई मीठी तो मैं जब कहती हूँ माने जरा सूट केस में दो चार मूलियां, कहती हाय बाजी में जाती है, मैं खुद लेके आती हूँ बक्से में मूलियां। माशाल्लाह लाहौर से मूली लेती है। तो लाहौर से सरसों का साग, मूली तो लाहौर से सरसों का साग आता है, मूलियां। अच्छा वो तो मैंने सुना है, कचनार, माश की दाल लाहौर की। ओ हो मैं नहीं खा सकती यहाँ का कुछ भी है, ये चीजें मुझे लाहौर के सॉइल का सरसों का साग पसंद है। अच्छा यहाँ हमने मटर पुलाव की रेसिपी सीख ली है, अब हम आ रहे हैं आपके पास करेलों की रेसिपी के लिए। वो सीख मतलब लाइक वो पता कर लेते हैं कैसे, फिर हम गप्पे मारते हैं और खानों के बारे में। जी ये कैसे बनेंगे भी करेले? करेले नमक लगा के दो। अच्छा ये एक शक्ल हम दिखाते हैं, धो के रखे। ये आपने सबसे पहले करेले आपके पास जब पहुंचे कितने किलो थे ये? एक किलो। एक किलो आपने इसको छीला जैसे वो छीलते हैं उस परवार के खुरचते हैं जो, वो करने के बाद धोया आपने? नमक लगा के। नमक लगा के आधा घंटा रख दिया। अच्छा ऐसे बाहर रखते हैं जैसे हम क्या करते हैं रात को फ्रीजर में रख देते हैं, फिर दूसरे दिन पकाते तो उससे क्या होता है, हालांकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है लेकिन कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है, निश्चय भी हो जाती है। नमक लगा के आधा घंटा रख दिया, फिर उसको पानी में अच्छी तरह धो के छान के, पानी खुशक करके ऐसे निचोड़ के, निचोड़ के सही बीज बीज सब हटा दिया। अच्छा अभी इसको निचोड़ के मैं बीज भी बनाता हूँ साथ ही। बीज कड़क हो जाते हैं, मजे के लगते हैं।
तो अभी आप सरसों के तेल में पकाएंगे इसे? जी, इनको फ्राई करूंगा फिर सरसों के तेल में देना। अच्छा, अभी आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे? नहीं, सरसों के तेल। सरसों का तेल का पीलापन खत्म करना होता है ताकि कड़वाहट निकले। सरसों के तेल को कड़वा तेल भी कहते हैं। जी 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 जी, कड़वा होता है। पहले आप उसको अच्छी तरह पकाते हैं और उसका पीलापन, अभी तुम पका रहे हो ना, जब ये सफेद हो जाएगा तो भी इसमें रोटी का टुकड़ा डाल के चेक करेंगे। ये एक मिनट जरा कैमरा मैन आके मुझे दिखाएगा, क्योंकि ये अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये पीलापन यहाँ से नजर आ रहा है। हाँ। क्या कैमरे की आंख से भी नजर आएगा? और सफेद जब होगा बशीर भाई, आपने मुझे बताना था कि मैं वो देखी दिखाऊं। अच्छा, फिर वो ठंडा होगा एकदम, आपने डाला तो जल जाएगा सब कुछ। अच्छा, थोड़ा सा उसको टाइम देंगे ताकि वो इतना हो जाए कि खाना पक सके। बिल्कुल, हम तो जला रहे हैं ना सरसों के तेल को। अच्छा, उसका कड़वापन निकालने के लिए इसको अच्छी तरह जलाएंगे। जब वो सफेद हो जाएगा फिर 2 मिनट इसको रोकेंगे। अच्छा, इसमें रोटी का एक टुकड़ा भी डाल सकते हैं, मगर नहीं चेक कर लेंगे। चेक कर लेंगे, नहीं भी है तो चलो। तो आपने देखा सफेद हो गया, फिर आपने थोड़ा सा ठंडा किया, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं, थोड़ा सा इतना कि कुछ पक सके, फिर आपने इसमें खाना बनाया। तो हमारी तो ये मैंने पहली दफा सुना। हाँ। ये रेसिपी मैंने पहले नहीं तो कड़ी कड़वा होता है ना सरसों के तेल को, कड़वा। अच्छा, ये लेकिन ये मैंने पहली दफा आपकी जुबान से सुना। हाँ। अच्छा, फिर उसके वो जो तेल जब सफेद होगा और हल्का सा उसका टेम्परेचर लूज हो जाएगा तो उसके अंदर आप क्या डालेंगे? इसको फ्राई करने के अलावा कोई और मसाला वगैरह कुछ जाएगा? नहीं, फ्राई करने के लिए कुछ नहीं, बस फ्राई करेंगे, सिंपल फ्राई करके निकाल लेंगे ना फिर। अच्छा, फिर बनाएगा फिर मसाला जो है अलग से बनाऊंगा। मसाला अलग से क्या बनाएंगे? वो थोड़ा सा प्याज लिया। ठीक है, कुटा हुआ या कटा हुआ? बिरयानी वाला प्याज लिया या जो अंडे वाला प्याज? बिरयानी वाला। बिरयानी वाला मतलब लंबा 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे वाला, समझ आ गई। ये देखिए कैमरे में दिखा दें। ओके, फिर क्या करेंगे? इसको तेल डाल के प्याज डाला। ठीक है, टमाटर। अच्छा, ये प्याज भी क्या मसाला भी आप सरसों के तेल में ही पका रहे हो? खाना ठीक है, सब्जियां मैक्सिमम सिवाय आलू की भुजिया के, हमारे घर में शलजम की भुजिया या लौकी की भुजिया या करेले। हाँ। ये दो या पालक आलू सब सरसों के तेल में बनता है हमारे घर में। बहुत अच्छा आइडिया। आपके आपके घर में देसी घी इस्तेमाल? देसी घी सब्जियों में इतना अच्छा नहीं रहता मेरे ख्याल में, हर चीज में देसी घी, लेकिन हाँ। वैसे मेरे पास देसी घी बहुत यूज होता है आलुओं में और अंडे में और अच्छा। पालक गोश्त में या आलू गोश्त में वो हम उसमें होता है, लेकिन ये सब्जियां ज्यादा सरसों के तेल में। अच्छा, ओके। फिर आप प्याज डालेंगे, उसको ब्राउन करेंगे, मसाला जो डालता है हल्का ब्राउन करना। हाँ। एक टमाटर डाल दिया। ठीक है, कुटी हुई मिर्ची डाल दी एक चम्मच लाल वाली। ठीक है, और एक चम्मच आधा नमक डाल दिया। नमक डाल दिया, करेले में तो वैसे होता है नमक आधी। हाँ, नमक। हाँ। वैसे बाद में चेक करें वरना। हाँ। बिल्कुल ही जापड़ा होता है उसके अंदर। बस आप कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल दिया। जीरा डाल दिया, बस फिर जो बस मसाला तैयार है। मसाला फिर फ्राई हुए जो करेले हैं और मसाला है उनको आप मिला देंगे, सर्व कर देंगे। थोड़ी सी ब्राउन प्याज ऊपर से डाल दें। ओहो, वो कड़क वो जो हम निहारी में डालते हैं वो वाली। अभी ये तेल देखो, तेल तेज तेज आंच पे इसको जला रहे हैं ना। ये आप जब सफेद होगा ना आपने मुझे दिखाना है। हाँ, उसके मैंने पहली दफा सुना है, मैं देखूं। अच्छा, कड़ी भी बगैर सरसों के तेल के मैं नहीं बना सकती हमारे घर। अच्छा। में सरसों के तेल की कड़ी, कड़ी। उसका जो फ्लेवर है ना, और कड़ी भी खैर मैं इस वक्त नहीं टाइम था। हाँ। ना कड़ी का बेस मैं बनाती हूँ मेथी दाने का, को जलाते हैं हम पहले सरसों के तेल। आप लोग फेस्टिविटी के साथ खाना पकाते हैं, तो डब्बे के मसाले लिए ठग नहीं। नहीं, 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 मेरे तो घर की कड़ी। अच्छा, मजे की बात, मैं एक जमाने में रहती थी मेमार में, जिससे आप लोग घर के पास। जी जी। तो नीचे वाली एक आंटी थी फर्स्ट फ्लोर पे, तो उन्होंने एक दिन कड़ी भेजी। अच्छा, हम पंजाब में थे तो हमारी कड़ी और थी जरा, मतलब और तरह की कड़ी। मैंने कहा है इस कड़ी में क्या है? हाँ। कितना, मैं चली गई उनके घर में, कहा आंटी आपने क्या किया ये? हाँ। तो उन्होंने बताया कि हम थोड़ा सा सरसों का तेल ये जला के उसमें मेथी दाना जलाते हैं, इतना सारा सरसों के तेल के। हाँ। हाँ। मतलब जब ये ऐसे हो जाएगा सफेद। अच्छा। मेथी दाना इतना सारा जलाएंगे, उसके बाद उसको छान के फेंक देंगे। वो जो इतना सा सरसों का तेल है वो बेस बनेगा उस बैटर का जो कड़ी का है, उसमें मेथी दाने का फ्लेवर आ गया। ये नहीं कि आप मेथी दाना कूट के डाल दे, नहीं, वो जला के। मैं बताती हूँ, मैं समझाती हूँ दोबारा, जो मुझे समझ आया। जो हमने ये सरसों का तेल जलाया उसमें से थोड़ा सा तेल लिया, उसमें इतना सा मेथी दाना पकाया, जलाया, जलाने के बाद मेथी दाना छान के फेंक दिया, लेकिन वो जो सरसों का तेल है वो इस्तेमाल कर लिया मिक्सचर। वो अब उसमें डाला दही, उसमें डाला बेसन। हाँ। और दही ज्यादा, बेसन 1 किलो दही में मेरे ख्याल आधा पाव बेसन डलता है। ओ, ऐसे कड़ी। तो वो फिर उसमें आपने नमक, कुटी हुई मिर्च और ये थोड़ी सी हल्दी रंग के लिए अगर चाहिए वो डाल के आपने चढ़ाई, और कड़ी एक दफा पूरी उबल जाए फिर आप उसको हल्की आंच पे छोड़ दें। आधा चम्मच आपने आंटी से सीख लिया बजा, अदरक लहसुन आधा चम्मच। और वो फिर पकती है, उसमें इतना सारा कड़ी पत्ता।
मतलब दो गड्डियां कम से कम। तो अच्छा, ये डिफरेंट रेसिपी है जो मुझे आप लोगों से पता चल रही है ना, तो वो क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से, आप देखें धुआं हो गया यहाँ पे, हम सॉरी हम वैसे भी धुएं में नहीं, वैसे अच्छे प्यारी शक्लें आती है, सरसों के तेल की अच्छी खुशबू है वैसे, हाँ अच्छी लग रही है खुशबू। तो उसमें फिर जो कड़ी बनती है ना, फिर उसका तड़का जो है वो उसका भी मजे का, तो वो कड़ी थोड़ी मुझे डिफरेंट लगती है। अब मुझे पंजाब में किसी के घर खाऊं ना, तो मुझे लगता है कि वो कड़ी मेरी ज्यादा मजेदार है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, जैसे कौन सा ऐसे खाने की चीज है जो आप ना रोक नहीं सकते अपना हाथ, और उस वो खाती है आप, वो मोटी हो जाती है? मोटे तो खैर अब नहीं, मतलब कि कहने का मकसद है कि लाइक वजन हल्का फुल्का जो खुद को पता चले, जो है ना पुलाव, पुलाव जाड़े आपको हल्का फुल्का बल्ज करने के लिए, हाथ नहीं रुकता हमारा, पुलाव मटन पुलाव बस उस पे नहीं हाथ रुकता, मतलब तीन टाइम खा सकते हैं मटन पुलाव और भिंडी। अच्छा, मैं भिंडी के साथ ना साबिर को कहती थी हमेशा, बेटे ढाई रोटी बनाना, कहता बाजी ढाई का क्या, दो तो मैं खाती हूँ, बेटे तीन नहीं खाऊंगी, आधी बनाना छोटी बनाते, मैं कहती बच्ची इसको भी कहती, और लस्सी नमक और पुदीने वाली जीरे वाली लस्सी, तो उसके साथ ये भिंडी और ये लस्सी का घोट, तो मैं कहती बेटे ढाई रोटी बनाना, ढाई रोटी ढाई का क्या बनता, मतलब दो नॉर्मल और एक छोटी रोटी, क्योंकि भिंडी के सामने कुछ। मैं तो खाने रात के खाने की खुशी में सारा दिन कुछ नहीं खाती, नहीं सुबह नाश्ता करती हूँ, दोपहर में बस फ्रूट खा लिया, खाती हूँ फ्रूट वगैरह खा लिया, गाजरें खा ली, मैंने भी, हम यही करते हैं रात को, जो खाने की खुशी है ना वो जो मिस हो जाए, और सुबह नाश्ता भी एक रोमांस है, हाय नाश्ते की वजह से दो टोस्ट अंडा चाय मक्खन टोस्ट जैम और बैठ के। अच्छा, दोपहर को वो बेचारे शूट का खाना आता है, वो मैंने नहीं खाना क्योंकि उसमें वही फौत शुदा मुर्गी होती है। वो साइड में बच्चे मंगवाते हैं ना शाम को रिफ्रेशमेंट, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा रिवाज है, बच्चे कहते हैं ये चिकन है, मैं कहा बेटे वो मकतूल मुर्गी खा रहे हो ना तुम लोग, ये किसी के पांव के नीचे आके मर गई थी, उन्होंने अब हमारी मुर्गी ना खराब, हमारा खाना तो इस खुशी में कि शाम को खाना है, और घर का खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है ना, घर का ताजी रोटी और वो, लेकिन बाहर का भी, लेकिन खाना रात को खाना जो है मजे से खाना। अच्छा, रेस्टोरेंट खाना खाने का कितना शौक है आप लोगों को, और कितनी दफा जाते हैं महीने में? बस अब एतबारी इतनी होगी कि किसी के ऊपर यकीन नहीं रहा, दो चार ही जगह जहाँ मैं अब जा सकती हूँ, रात को जैसे बताया ना करार के वहाँ गई थी, उस पर तो भरोसा है ना, उसकी मुर्गी मरी हुई नहीं होगी, मुर्गी मरी नहीं हो सकती, सिर्फ मुर्गी है। अब ये नहीं कि फलानी जगह का खाना अच्छा है, अब ये कि भरोसा कहाँ पे है, उसका खाना भी अच्छा है, तो मैं तो बहुत कम ये बहुत खाती है बाहर, ये इतने आवारा बच्चों की वजह से खाती हूँ ना, मैं खुद भी आवारा हूँ, ये शाइस्ता जिस वक्त फौरन पता नहीं कहाँ से कहाँ खाना खाने पहुँच गई, नहीं भाई। और लाहौर जब मैं जाती हूँ तो मेरी एक पार्टी होती है ना लाहौर में, घर का खाना, लाहौर में बाहर नहीं ज्यादा जाती, अच्छा। लेकिन एक पार्टी होती है अपनी हेल्पर्स जो मेरी वहाँ पर है ना, फ्रेंड्स अम्मी की केयर टेकर है ना मेरी, एक किचन वाली है और एक अम्मी की है, उनके साथ गाड़ी में जाना और शाही मुर्ग छोले की दुकान वहाँ जाना, ऊंचे ऊंचे पंजाबी गाने फुल वॉल्यूम, और फिर वो जो मजा है ना वो बहुत कमाल है इसकी, तो लाहौर वाली मेड जो अम्मी को देखती है ना वो तो फिर डांस भी पूरा पंजाबी फिल्म, हाँ वैसा शो में भी आई थी, अच्छा लाहौर में शो पारा के शो में, भाई उनको भी तो खुश रखना है, उसको कराची लाई थी, उसने नीले रंग के लेंस लगा के वो समंदर पे गई थी, हाँ वैसे ही करती है, और फिर अभी वो जो है उसकी का मियाँ मेरा काम सारा करता है ट्रेनिंग वाला, तो फिर वो अब उनको मैंने कहा था अब मैं आऊंगी तो हम चलेंगे फिर कोई कढ़ाई शराई खाने के, अच्छा अच्छा शाही मुरछोले हो गए, तो क्योंकि हाँ अम्मा फिर वो तैयार शहर होती है शाम को झुमके पहन के जाती है वो शाही मुर्ग छोले खाने, अच्छा फिर जो पंजाबी गानों का बच्चों के साथ जाती है, जैसे ज़ारा के साथ जा रही है तो नहीं, मैं ज़ारा तो अंग्रेजी खाने खाती है, तो ज़ारा के साथ अंग्रेजी खाने खाने जाती है, नहीं जाती हूँ ले जाती है बड़े शौक से, अम्मा चले चले ले जाती तो मुझे कहती अम्मा आपको कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं कहती हूँ ये अच्छा ठीक है बेटा सही है, लेकिन वो अजीब अजीब से उनके नाम होते हैं, स्टेक्स वगैरह टाइप चीजें स्टेक हम खा लेते हैं, वो कोई और ही नहीं नहीं और 15,000 की प्लेट में किसी मुर्गी पड़ी होती है कमबख्त, तो हम तो हमें तो बिल्कुल नहीं मजा आता ना, मैं कहती हूँ अम्मा आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता, बड़ा उसको माइंड करती है वो, हाय हाय नहरी नहीं मुझे वहाँ टोरंटो में पता नहीं कहाँ ले जाते हो फलाना ग्रीक रेस्टोरेंट है ये, और मैं गए थे जब तो इतना सा आलू रखा हुआ, एक गाजर रखी हुई, और पता नहीं कितने डॉलर मैंने बिल दे दिया, मैं मुझे नहरी को भी खुशी हो रही होती है कि हाय नहरी कहती अम्मा ये जो है ना फलाना आपको पता नहीं इसका यू तो वो तो फलाना, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हमने कहा अच्छा चलो, और ज़ारा का भी यही हाल है, ज़ारा का भी यही हाल है बिल्कुल, कि वो भी इस तरह ही है कि बस जाऊं, और आप लोग देसी के शौकीन, हम बड़े देसी के शौकीन, अच्छा हमने तो जो वलायती बनाना था हमारा लड़का पिज्जा भी बना लेता है, चाइनीज भी बना लेता है, अभी मैं पूछती हूँ क्या क्या आता है बशीर को बनाना, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास के साथ।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही मजेदार और डिफरेंट शो है। ऐसा शो हमने कभी आपस में किया नहीं है यहाँ बुशरापा के जो बशीर भाई हैं वो बना रहे हैं हमें लेमन चिकन खिलाने वाले हैं और बहुत ही मजेदार जो करेले हैं उनकी भुजिया और दूसरी तरफ अस्मा अब्बास के जो रशीद भाई हैं वो हमें सिखाया उन्होंने झटपट चिकन और मटर पुलाव और उसकी खुशबुएं महक रही हैं और हमें भूख लग रही है। अच्छा अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उससे पहले कि हम अपनी मजेदार बातें शुरू करें, जो तेल सरसों का तेल पीला था वो सवाया है, ये तो अब लाल हो गया वो फिर बीच में इतना टाइम नहीं था ना तो फिर इसको डालना पड़ा। ये देखिए ये पीला था ना सरसों का तेल, ये पीला था, इसको सफेद कर लिया था हमने, पका पका के हमने ये इस कलर का हो गया, व्हाइट कलर का बिल्कुल सिरके जैसा हो गया था ये। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा था पीलेपन से फिर सिरके जैसा कलर हो गया था। और उसके बाद उस तेल को ठंडा करके अभी उसमें मसाला अलग भून रहे हैं और करेले अलग फ्राई हो रहे हैं। बशीर इसमें कलौंजी डाली है ना, कलौंजी भी डालेगी मसाले में, बताओ ना कलौंजी और जीरा और क्या क्या डाला उन्होंने। कलौंजी आप भूल गए थे बताना, जीरा आपने बताया था, टमाटर आपने बताया था, कुटी हुई लाल मिर्च आपने बताया था, नमक, नमक बिल्कुल ऐसे जैसे हल्का, क्योंकि नमक चूंकि इसमें इतना लगाया जाता है ना कड़वाहट निकालने को तो ये ना हो के ज्यादा हो जाए। जैसे मैंने एक दफा मछली को कुछ ना पूछे मुझे किसी ने बता दिया मछली बू निकालने के लिए नमक लगाते हैं, अभी नई नई शादी थी 2 महीने तो खाना पकाना आता नहीं था, मैंने दे दबा के उसको मछली को खूब नमक लगाया, पूरी रात लगाया उससे, उसको धोया 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 खूब मछली की ऐसी की तैसी, उसके बाद मैंने सालन में भी अच्छा भला नमक डाला ना, और जब मेहमान आए तो मैंने बड़ा पेश किया तो उन्होंने हाँ भाई अच्छी तरह बू निकल जाए इसकी तरह, इसकी कड़वाहट निकल जाए, उसके बाद आप उसमें नमक भी डाल देंगे तो आप नमक बेशक ना डालें बाद में चेक करके डालें। हमारे साथ ये मेहमानों वाला वाक्य हो चुका है, जर्मनी में जब हम लोग 2 साल रहे थे तो हमारे साथ जो है वो जर्मन कुछ लोग पढ़ते थे, जर्मन नहीं थे पोलैंड के थे, वो जर्मन सीख रहे थे हमारे कलीग्स थे ना, तो अम्मी ने कहा पाकिस्तानी चाय ऐसी होती है वह दूध पत्ती वाली ना, और क्या क्या उसकी तारीफ है, टी बैग की चाय नहीं हमारी तो पत्ती ऐसी है वो। अच्छा जी अम्मी ने पत्ती वत्ती, वो आए हमारे घर, अम्मी ने कड़ाती हुई ना चाय बनाई बिल्कुल दूध पत्ती वाली, और उसके बाद चीनी वहाँ पे बिल्कुल नमक की तरह पाउडर होती, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है, एक तरफ चीनी रखी थी एक तरफ नमक रखा था, अम्मी ने निकाला नमक और उसमें डाली, कितना चम्मच लेंगे, 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच चीनी के बजाय उसमें नमक डाल दिया, अब अम्मी ने पेश की चाय और अम्मी एक्सपेक्ट करेंगे, उसने चाय पी, उसने कहा पाकिस्तानी चाय नमकीन होती है, तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं दूध पत्ती है मसाले वाली चाय ऐसी हो, उसके बाद जो अम्मी ने पी है तो उल्टी आ गई है, मैं माफ कर दो। हाँ ये होता है वहाँ पे भी, मैं कहती हूँ नहीं इसको अलग रखो बेटे, बहुत मिक्स हो जाते हैं नमक और चीनी, अब बल्कि चीनी के क्यूब्स वहाँ मिलते हैं वो ज्यादा सेफ, वो ज्यादा सेफ, तो मैं सबसे फिर कह रही हूँ चीनी छोड़ दे, चीनी छोड़ दे, चीनी छोड़ दे, गुड़ गुड़ और गुड़ यूज करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप वैसे तो आपकी टेंडेंसी नहीं है शायद फैमिली में इतने मोटापे की ना, नहीं मैं बहुत मोटी हो गई थी एक जमाने में, एक दफा बहुत मोटी जब मैं घर में बैठती थी फिर नहीं बच्चे भी ऊपर तले फिर हो रहे थे ना तो वो उसी वजह से, लेकिन क्या चीज आपने जिंदगी से माइनस की जो आप अपने आप को मेंटेन कर पाती? नहीं उस वक्त मैंने तो जिम किया था, एरोबिक्स करती थी, अच्छा, और मैंने दही भल्ले खाती, डाइट की बहुत, दही बड़े से डाइट, दही बड़े खा, ये कैसे डाइट हुई, बस खाना जो है मतलब खाना छोड़ के दही बड़े खा रही, दही बड़े खा रही हूँ हर वक्त, दही बड़े खाती थी, दही बड़े खाती थी, तो ये दही बड़े हैं, बड़े जो है वो किसके थे, कुछ भी ना खाना और कुछ खाऊंगी नहीं, दही बड़े खाऊंगी, मीठे के नमकीन, नहीं नहीं मीठे नहीं नमकीन, मुझे भी फेवरेट मेरे दही के साथ, और लाहौर के दही बड़े 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 होते हैं और मसाला उसमें, और फिर मैं खाती थी इतने से चावल, इतनी सारी दाल ऊपर सैलेड, उससे आप कम तो फिर मैं उससे, और फिर एरोबिक्स से जाहिर है फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। और आपने अपनी जिंदगी से क्या चीज माइनस की, क्या आप हमेशा ऐसी लड़की रहे? मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, ये जीन्स में है, मैं आई बीन ऑलवेज अंडरवेट ऑल माय लाइफ, हमेशा सुख खाती कम होंगी ना, नहीं ये लोग पराठे देसी घी, बचपन में इतना बड़ा एक चावलों का पहाड़ बनाती थी, उसमें वोल्केनो बनाती थी, उसमें दाल भर लेती थी, तो अम्मी कहती थी मुंह चुई तो टिडखुई मतलब खाने का शौक था, पराठे फलाटे तो मुझे कुछ होता ही था, मैं तो बल्कि चाहती थी वेट गेन करूं, मैं कभी कभी कहती थी अल्लाह मेरी कलाई इतनी पतली है पता नहीं कब मतलब चौड़ी होगी, कभी देखती थी इतनी पतली टांगे अल्लाह मियां कब बड़ी होंगी मेरी टांगे मोटी होंगी, और मैं मिल्क शेक बनाती थी खूब मलाई डाल के जग भर के पूरा दिन पीती थी, तो फिर बीच में तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली अम्मी और अब्बा मोटे नहीं थे, वेट वेट कोई नहीं था किसी का,
खाला वाला भी मोटी नहीं थी ना पप्पी, वो मोटापा था नहीं, दादी थोड़ी थी चबी साइड पे, पता नहीं बुढ़ापे में होंगे होंगे मुझे याद नहीं है, तो ओवरऑल मोटापा था नहीं, लेकिन नीलम बाजी और सुम्बलापा दोनों चबी थी, मोटी नहीं थी। अच्छा, पर दे बीन वेरी ढंगी नहीं आप लोगों की फैमिली में, मैं बहुत मोटी हो गई थी। नहीं ये तो चलती थी तो धरती कांपती थी ना, हमने कहा मानो तो गई भाई काम नहीं। एक दफा तो जब घरारों का फैशन आया, चौथा बच्चा मैं पैदा हुआ था, मैंने कहा बाजी मुझे घरारा चाहिए, तो बाजी की खिलखिला के हंस पड़ी ना। अच्छा। कह रही अल्लाह ये धोबन घरारा पहनेगी, और बराबर इतनी मोटी थी, हाँ बकायदा मंगल बुध हम कहते थे अल्लाह ये इसका पता नहीं क्या होगा। चलती थी तो चला घुटने पे हाथ रख के मतलब उतरती थी सीढ़ियाँ, चला नहीं जाता था, हालांकि उम्र तो कुछ भी नहीं थी। क्या हुआ था वैसे, ऑपरेशन से भी बच्चे हुए थे शायद, पता नहीं क्या बाजी, वो एक टाइम बस बच्चे बच्चे हो रहे थे। हाँ। बच्चों को पालने में बंदा लग जाता है, कि आपने सिर्फ आर्मी की लाइफ का पता है। हाँ। बस खाना है और बैठना है आराम से बेगम साहब बनके, कोई काम ही नहीं करना। लेकिन बात यह है कि मैं भी कोई इतनी वो नहीं थी चुस्त, मेरी अम्मी कहती थी बचपन में तो सवेर दी बैठी है शाम तक, तो बद से नहीं गई, मतलब बड़ी रहती थी बैठी रहती थी ना मैं, तो वो बात नहीं है, वो इसका कोई वक्त था जिसके अंदर इसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे हार्मोन्स की वजह से। हाँ, भी हो जाते, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा दादी का चबी होना, नहीं ये देखो वो ये बहा ये यहाँ मेरे फुफो और दादी, दादी अच्छा ददियाल से पिक किया, ये भी होता है। हाँ वो उधर से आया है का, जैसे जारा कहती है ना, नहीं ये सब जब भी आती ना तुम बुलापा भी आसमा का रंग सब आपकी रंग को बहुत नानी लगे ना, ये सब लोगों के रंग और मैं बेचारी, मुझे सेक लग गया था बचपन में, मैं कहती थी मैं किस पे चली गई, अब्बा सांवले थे ना, कहते अब्बा ने प्यार कर करके मुझे सांवला कर दिया। आपस में बहनों का होता है ना ये सुनाया, नहीं ये सब लोग, भाई भी चिट्टा ये भी, अम्मी तो अंग्रेज गोरी थी, नानी या नाना अंग्रेज गोरे थे, अंग्रेज गोरे। तो मेरी बल्कि नानी एक दफा मेरे घर आई तो मेरी नंद मुझे कहती है कि तुम्हारी सगी नानी है मतलब। अच्छा पता है लोग कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं, वरना आप कितनी अट्रैक्टिव है। हां बहुत, सबसे आगे निकल गई माशाल्लाह, ये बात तो हकीकत है। आपस के जब खानदान वाले हैं ना, सुम्बलापा कहती है ना देखो हम तो, वो तो बड़ी हसीन थी दोनों बहनें, ये तो छोटी थी, वो तो जब बाजार जाती थी तो रिश्ते आ जाते थे पीछे पीछे सुम्बलापा, सुम्बलापा नीलमापा एक गुड़िया थी हसीन वाली, जो लाहौर में होती ना गोरी गोरी प्यारी प्यारी लड़कियां, मेरे पीछे तो कभी नहीं कोई आया, सुम्बल कहती थी ये काली को देखो दिलीप कुमार के पास खड़ी होगी जाके, हम तो घर बैठे ही रह गए, इस काली को सब कुछ आता, मेकअप करना भी अभी भी कहती है उस तरह। हाँ। लेकिन ये वाली बात है ना, बट बहुत सारी बहनें जो आपस में जो होता है ना, जैसे अक्सर जिनका रंग कम होता है कॉम्प्लेक्स का शिकार, वो खुद अकेली नहीं होती, सारा खानदान मिलके कर देते, तो ये देखे बहन माशाल्लाह। नहीं नहीं कोई नहीं करता, ये लोग ने नहीं कहा, मैं खुद ही बहुत मजे करती हूँ, मस्ती में बोल रहा था, हमें काले है तो क्या हुआ दिल वाले हैं, लेकिन हमारा ही कम्प्लेक्शन है जो टीवी पे अच्छा आता है भाई। yes, है ना। yes. एकदम मजे की बात है, सुम्बलापा की मंगनी हुई तो उन्होंने ससुराल वाले का तस्वीर भेजो ना, बेचारी 19 साल की थी, प्यारी बहुत थी, ये फोटोजेनिक जरा भी नहीं थी ना। अच्छा, बिल्कुल नहीं थी। हाँ। अब वो गई गए लाहौर में, एक स्टूडियो था वहाँ, साड़ी उन्होंने साड़ी भेजी थी मंगनी पे। अच्छा। साड़ी पहन के खड़ी होगी बेचारी ने, जूड़ा भी बनाया 19 साल की ना, उसको तैयार भी नहीं होना आता। अच्छा मैं बेचारी थोड़ी पतली सी, मेरे छोटे छोटे बॉय कट बाल, एक हड्डियों का ढांचा, मैंने भी ऐसी बैठ गई। हाँ। उसने खिंचवाई, मुझे शौक आया, मैंने भी ना तस्वीर खिंचवाई, मेरी तो कोई तस्वीर आई। ओहो। और वो कहने की मैं तो आशा भोसले लग रही हूँ इसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस होती थी आशा भोसले, कोई वो इंडिया वाली नहीं। अच्छा, वो भी मतलब लगभग वही सी थी। अच्छा। कह लगी मैं कितनी जहर लग रही, और उसको देखो कल लोगों ये बैठी था कैसे, मैंने मेकअप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब मेरे ससुराल वाले जो ना, मेरे ससुराल मुल्तान की है, और मेरी सास बड़ी टिपिकल थी कि बड़ा मुंह गोरा रंग सब कुछ हो ना, तो वो बाजी कहीं एक दफा चली गई वहाँ पे ससुराल में, तुमने मुझे अंदर देखा, शुक्र है अल्लाह का कि तू मेरी बहू बनी है, माशाल्लाह एड्डा मुंह है, चिट्टा रंग एड्डा मुंह यार, ये वाली वो अंदर खानदान की बातें सारी ये होती है हर खानदान में, हम तो उसका बड़ा मजा लेते हैं। हाँ। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ये वाली चीज जो है, इसकी वजह से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी। नहीं भाई, मैं दुनिया में निकली तब लोगों ने कहा कि ओहो हु इज दिस चार्मिंग गॉर्जियस गर्ल। मैं अमेरिका गई पहली दफा 81 में, तो बाजी के घर जाके ठहरी, नीलम बाजी वहां रहती थी। हाँ। तो मैं पता है बाजी के साथ किसी मॉल शॉल में स्टोर में गई, तो उस जमाने मोबाइल तो थे नहीं, उनके लैंडलाइन पे उनकी किसी अंग्रेज गोरी का फोन आया, ओ माय गॉड I saw a gorgeous, beautiful, charming girl in your car. Who was that? बाजी ने कहा भाई, she's my younger sister. She's visiting me for the first time. Oh my God. मतलब वो बेहोश ही हो गए ना। हाँ, वो लोग अपने आप को टाइम करते हैं। समुद्रों पे जा। तो नैरी भी कहती थी ना, अम्मा हमारे कलर की वहाँ बहुत वैल्यू है, मेरी बेटी बड़ी वाली मेरी तरह। हाँ। अम्मा हमारे कम्प्लेक्शन की वहाँ बड़ी कदर है, मतलब वैल्यू है हमारी।
अच्छा कौन सा ऐसा इनके अंदर आप कहती हैं टैलेंट एक्टिंग वगैरह के अलावा जो आपकी पूरी फैमिली एडमायर करती है और इनके टैलेंट्स भी जो सब जानते हैं, कोई ऐसा हिडन टैलेंट जो सिर्फ खानदान वालों को पता है कि बुढ़ापा के अंदर ये टैलेंट, दोनों के हिडन टैलेंट्स? बैठ गई दोनों एक दूसरे की तारीफ करने, जो पहले बड़ी बदनाम है दोनों बैठ गई एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है हम सब में अल्लाह ने बहुत कुछ अल्लाह ने गिफ्ट दिए हमें। हाँ। सबसे बड़ा गिफ्ट तो हमारे पास अल्लाह ने हमें आवाज दी है जो हमें हमारी अम्मी से मिली है। हमारी अम्मी कोई गाने वाली सिंगर नहीं थी, वही बेचारी घरेलू सी थी, लेकिन हमारे नाना की आवाज अच्छी थी, वो सैगल की तरह की गाते थे। हाँ। अम्मी ने इनहेरिट की उनसे आवाज, मामू भी अच्छा गाते थे, मामू की 5 बेटियां जो बड़ी हिजाबी है यहाँ तक मेहराबे। हाँ। मगर वो गाती है तो लता मंगेशकर है वो। अच्छा। अल्लाह की शान है। हाँ। सीखा सिखाया किसी ने कुछ नहीं। अच्छा अच्छा इस वो चार हम चारों के पास अल्लाह ने वो टैलेंट दिया कि बेसिक सुर और आवाज है। भाई भी हमारा बहुत अच्छा गाता है। अच्छा पक्का सुनिए, बड़ा मजे का आपके पास अंताक्षरी होता होगा घर में जब सब बैठते होंगे सारे बहन भाई। लेकिन उसके अलावा हम लोग खाना बड़ा मजे का सब बनाते हैं। अच्छा। बाजी के पास लिखने का टैलेंट है नीलम। वो अब्बा की लेगेसी एग्जैक्टली वो कैरी कर रहे हैं। मैं तो चलो ड्रामे श्रामे लिखती हूँ, लेकिन बाजी की बड़ी इंटेलेक्चुअल एक जो अब्बा की लेगेसी है वो बाजी फॉलो कर रही है। अच्छा फिर सुंबल में ये है कि सुंबल तो गाती सबसे अच्छा ही है। बाकी सुंबल को वैसे कढ़ाई वढ़ाई का शौक नहीं, सफाई 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 भाई कुछ ना पूछो, कपड़ा जो बाथरूम रगड़ने का शौक है जो शुरू होती है तो शाम हो जाती है, चमकता उनका घर। रशीद को ऑर्डर है कि तुमने मेरे बाथरूम तुमने नहीं साफ करना, शौक एक खुशी है ना बाथरूम साफ। और ये मिट्टियां कोनों में से निकालनी सफाई, वो भी हमारी नानी से उसने इनहेरिट किया। हमारी नानी साबुन से फर्श होती थी मुझे याद है बचपन। अच्छा। में वो है उसमें। बाकी मुझे कढ़ाई का भी शौक है। आपने कढ़ाई की है? ऐसी मेरे तो मतलब तस्वीरें पेंटिंग बनाई हुई है मैंने, तो मैं तो ऐसी मैं क्रोशिया बना लेती थी, पूरा कोट बना लेती थी। अच्छा अम्मी का ये था कि अम्मी को तो सिलाई भी आती थी, कढ़ाई भी आती थी, थोड़ी थोड़ी चीजें सब बच्चों ने बांट ली। इसने सिलाई इसने ये थे, सुबह सूट लेके आई शाम को पहन के खड़ी। आपका सिलाई का टैलेंट? ओए होए होए। तो मैं कहती थी अच्छा बाजी माशाल्लाह इस मामले में काफी फोड़ है ना। बाजी को मैं कहती बाजी पढ़ाई नीलम बाजी। हाँ नीलम बाजी। नीलम जो है नीलम अहमद बशीर पढ़ाई, वो पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेने वाली थी, लायक फायद बाजी थी। वो पढ़ाई, पप्पो सफाई, मैं बुनाई, ये सिलाई सब बढ़ गए टैलेंट। हाँ अम्मी तो पेंट भी करती थी, अम्मी तानपुरा के साथ गाती भी थी। अम्मी को पांच बच्चे ना, पांच बच्चे तो उनको टाइम कहाँ से मिलता था, वो निकाल लेती थी टाइम। अच्छा हमने उन्हीं के बुने हुए स्वेटर पहने, उनके पास वो मशीन भी थी जिससे कढ़ाई करते, मुझे वो भी आती थी, मैं वो भी करती थी। तो अम्मी को तो 5-7 चीजें अम्मी के इतने हाथ सारी हमारे अंदर इसमें ज्यादा आई अम्मी। ये मैं वही सोचती की अपने हाथ से काम करने मुझे मतलब के दिल करता होता है मशीन हो और बस मैं शुरू हो जाऊँ। अच्छा ये जो है ना ये कॉइन्स ये खुद लगा रही होती है। हाँ ये फुमन फुमन दिखाना ये भी ये सब। हाँ ये सब मैंने अपने हाथ से करते हुए बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास है पैकेज है हम जो दिखा सकते हैं कपड़ों का। हाँ पिक्चर्स दिखाए ना जरा और कपड़ों की भी, दो तो इन्होंने पहने हुए हैं ना। देखिए ना ये है, ये अच्छा मीरा कुर्ती है जी। हाँ भाई एक्ट्रेसेस के नाम पे ना। हाँ आए वो क्लेम ना कर ले कि मुझे 50 लाख रुपए। ये नादरा कुर्ता, ये जो आपने पहना ये नादरा कुर्ता पहना। मैंने पहना नीली मिडी गाउन। नीली मिडी गाउन, मिडी गाउन। हाँ ओके। और ये साहिबा मिडी गाउन है। साहिबा मिडी गाउन, ये मैंने भी पहना था एक ड्रामे में। ये क्या है? रेशम मिडी जैकेट। ये वही गोटा और वो अच्छा अजरक। ये डेनिम पे है। ये शलवार है, शलवार और पांचा देखो जरा, निश्चय शलवार। ये नरगिस नरगिस डांसिंग क्वीन कुर्ती। ओ ये एम्ब्रॉयडरी कराई है, एम्ब्रॉयडरी हुई है। अच्छा ये बाजी की कविता कुर्ता, कुर्ता। हाँ। आपने कविता कुर्ता पहना है। कलर मुख्तलिफ है, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है। और ये क्या है? सना खद्दर शर्ट। सना खद्दर शर्ट, ये सना हमारी अभी लेटेस्ट सवारी है। जी सना। ओहो क्योंकि वो रीमा डेनिम जैकेट। रीमा डेनिम जैकेट, वाह वाह भाई जबरदस्त। सारी एक्ट्रेसेस के नाम पे है, इसके पूरे डिजाइन है। कोई आपकी वेबसाइट है जहाँ लोग जाके चेक कर? मेरा पेज है इंस्टा पे भी अस्मा अब्बास डिजाइंस। अस्मा अब्बास डिजाइंस के नाम से उस पेज पे पूरा डिजाइंस नजर आएंगे। सब डिजाइंस हैं उस पे, डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज जो है, ऑर्डर भी उसी पे होते हैं। और सारी एक्ट्रेसेस की सारी हिस्ट्री, इनकी कहानी, इनकी फिल्में, ताकि जो हमारी न्यू जनरेशन को पता ही नहीं कि ये लोग कौन है। अच्छा शबनम आई है ना आजकल बांग्लादेश से, तो फोन पे बात होती रहती है, कहती मैं वहाँ इतनी उदास हो गई थी, अकेली बैठी थी, बेटा उनका बाहर होता है, उसने कहा अम्मी तुम पाकिस्तान चली जाओ। तो उनके यहाँ जाहिर मिलने वाले
वाले दोस्त पुराने भी हैं और फैंस भी हैं, तो कहीं फैसलाबाद में रह रही हैं, कहती इतना अच्छा लग रहा है उनके बच्चों. मैंने उनको फिर भेजी तस्वीरें, मैंने कहा ये देखें आपकी जैकेटें, आपकी कोटियां. हाँ. वो दिल लगी, फिर दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, उसमें उन्होंने पहनी थी वो कोटी जिसका आपने नाम रखा शबनम कोटी. हाँ, तो बड़ी खुश हो रही थी, कहती अच्छा. मैंने कहा नगमा शलवार, सलोनी शलवार, नगमा शलवार और बड़ी और अंजुमन कुर्तियाँ. अंजुमन कुर्तियाँ, मतलब सबके वो पहले मैंने रखे थे, जरा पहले वाली पुरानी एक्ट्रेस. अच्छा. दीपा गरारा. हाँ. दीपा गरारा तो बहुत ही पसंद आया. ओए होए, तो ब्लैक गरारा है उस पर. हाँ. अजरक की कुर्तियाँ और वो अजरक के साथ. और जिसको देखना है वो पेज पे जाके देखें. हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास, रशीद और बशीर के साथ. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज बहुत ही मजे का शो हुआ, बड़े खाने की, बड़ी चटोरेपन की बातें हुई. मेरे तो मुंह में ना मुस्तकिल न्यू करती रही हूँ मैं, ये पानी आता था मैं न्यू करती थी. आपने तो, ब्रांड चला दी ना, मैं तो फुफारी की नहीं हो रही, इतने मिल रहे वो समझ नहीं आ रही क्या. तो अभी 15 मिनट बाद ऐसे मैं शुरू की गप्पे तो मारने नहीं, इतने ऑर्डर है माशाल्लाह. वेट करें अभी, वेट करें अभी. आपको ये नहीं पता, आपने पूछा था हिडन टैलेंट. हाँ. ये फर्नीचर डिजाइनिंग भी इन्होंने शुरू की. अच्छा. ओ, फिर खुद ही घबरा गई कि मैं कहाँ से शोरूम बनाऊँ और क्या. आप कभी इनका बेडरूम लाहौर में जो है देखे, तो मोर के पर, तो स्टोन्स, तो टाइले, तो ऐसे ऐसी चीजें थी, हसीन हैं, अभी भी पड़ी हैं. हाँ. तो फिर खुद ही कह लेगी नहीं मैं तो कराची में रहती हूँ, मैं भी ये करूँ कि वो करूँ, तो छोड़ दिया. लेकिन ये अम्मी, हमारी अम्मी ऐसी थी ना. हाँ. ब्लॉक प्रिंट करा रही हैं. उस जमाने में मुझे बचपन में याद है, व्हाइट साड़ी पे अजरक का बॉर्डर लगा हुआ है. हाँ. पल्लू पे ब्लॉक प्रिंट है. हमारी अम्मी चुनरी बनवाती थी. हाँ. वो मेरे भी वही इसी किस्म की अम्मी तो की वो वाली चीजें हैं. और अजरक और चुनरी और ये इसी में रहती हूँ बस. सुने वो बात, सुने मुझे कपड़ों के साथ साथ मुझे खाने की खुशबू भी आ रही. क्यों ना. हाँ, चलो चलो भाई, खाना चखे भी ना जरा, देखे तो सही क्या बनाया है रशीद भाई और बशीर भाई ने. आइए ना आप लोग भी चखे ना. हाँ, चले. और मैंने कहा था खास तौर पे, मैंने कहा था कि भाई ये सब बर्तन साफ हो ताकि आप सब खा सके. भाई हम सब ने ना बहुत ही अच्छी से सफाई करवाई, क्योंकि वाकई हमें खाना था बशीर भाई. अच्छा, चावल जो है ना उनको वैसे इससे ठीक रखें, लेकिन मुझे ये जुड़े जुड़े पसंद नहीं होते. अच्छा, ये हमेशा निखरा निखरा चावल होना चाहिए. वैसे बशीर के होते हैं, इसका जरा जल्दी में है ना. तो मुझे ये लगता है कि इसकी प्रेजेंटेशन में चावल जुड़े हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए. लेमन चिकन पहले यहाँ से निकाल. अब इसमें हमने देसी घी नहीं डाला था. नहीं है, लेमन चिकन में इतना शोरबा होना चाहिए और इतना पतला होना चाहिए. आपके शो में तशद्दुद हुआ, आपको पता ही नहीं चला. मैंने हाथ मारो बदतमीज़ इसी का मजा आता है ना. वही ना, हमारे घर में डाइट चल रही होती है जी. अच्छा. और सारा यासिर सबके प्लेटों में से चुकता है. मैंने कहा ये कौन सी डाइट है. हाँ. बच्चों की प्लेटों में अलग, मेरे प्लेटों में अलग. नहीं, और हाथ से चावल खाने का जो मजा है नाश्ते में, आज मतलब चावल खा लेते फिर अल्लाह ने दिया तो जो अल्लाह ने दिया. बहुत मजा. चमचा देना बेटे. नहीं, वो तो चमचा चावल खटास आ रही है बड़ी. वो कोई भी वो दे दो, लेमन की वजह से आ रही है. बहुत अच्छा है भाई, है ना. और जो लेमन चिकन मैंने नॉर्मली खाई है ना, वो थाई फूड में भी आती है लेमन चिकन. हाँ. ये पाकिस्तानी लेमन चिकन है. हाँ. इसका फ्लेवर बड़ा मजे का आ रहा है. ये देखो ना, ये एक डिफरेंट सा वो है कि कुछ लोगों को नहीं अंग्रेजी खाने पसंद है तो ये बनाए. हाँ भाई, मैं इस वक्त मैं चिकन की वो टांग वगैरह नहीं ले रही क्योंकि भाई इतनी मेहनत कौन करे ना. करेले मुझे पसंद नहीं है करेले, लेकिन मैं आपके खातिर खा रही हूँ. हाँ, करेले की आप चखे देखो. ये शक्ल से मैं एक ही बाइट ले रही हूँ, शक्ल से बड़े हसीन लग रहे हैं. और ये तो मैं यासर के लिए लेके जाऊंगी, चोरी होंगे यहाँ से. ले जाओ. हाँ. करेले पसंद है उसको, इश्क है. कि बहुत से लोगों को करेले पसंद नहीं है. इससे इश्क लगाएगा तो आपका क्या होगा फिर. मुझसे नहीं है करेले पे. बहुत मेरे को सीरियसली है ना, पकाती हूँ मुझे पता है. बहुत मजे का फ्लेवर, कड़वाहट नहीं है. कड़वाहट तो मजे की जो वाली है लेमन की. एक्चुअली सिरके से कड़वाहट कम होती है, लेकिन ये सरसों वाला एक फ्लेवर आ रहा है ना. हाँ, बहुत ही मजे है ना. मैं तो ये पूरा लेके जाऊंगी, खबर इन सब से कह दो अपने स्टाफ से या अपनी टीम से. हाँ. बकवास बने ये मत खाना. हाँ. अच्छे नहीं है. हाँ, ओके. अब भाई आ गए हम रशीद भाई के पास. रशीद भाई उस तरफ आ जाते हैं हम लोग. थोड़े से आप जगह देंगे रशीद भाई, है ना. आप लोग अपना ही घर है.
भाई पुलाव की, अच्छा हम लोग पुलाव जो है रायते के साथ खाते हैं। हाँ, आप लोग क्या क्या लबाज बात होते हैं? दही के साथ। अच्छा दही के साथ तो रूखा ही खाया जाता है मुझे, मैं ना वो मिंट वाला जो रायता होता है ना बड़े मिर्चों के साथ, पुलाव थोड़ा सा मिर्चों में कम होता है, थोड़ा सा ना नींबू आया मुंह में, वो थोड़ा सा लेमन चिकन का ना पका हुआ लेमन टुकड़ा आया छिलका, वो बड़े मजे का लगता है यार। बड़ा मजे का पुलाव है वैसे, इसको प्रॉपर पुलाव जिसे कहते हैं ना ये वो है। जी जी जी, खानदानी पुलाव है भाई, मजे का है। अच्छा मैं वैसे पता क्या, मैं व्हाइट पुलाव बनाती हूँ मटर वाला, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। हमारे घर में भी व्हाइट बनता है, क्योंकि मैं प्याज ज्यादा लाल नहीं करती। और ये वाला यहाँ पे है ना ये, बिस्मिल्लाह। अच्छा सुने, दावतों में कौन सी डिशेस मतलब मखसूस डिशेज है जो आप लोगों के घर में होती है? बताओ भाई तुम पहले। मैं बनाती हूँ ब्राउन राइस एंड सब्जी। ब्राउन राइस एंड सब्जी, ओह यम, जैसे मंदी टाइप की वो बनाती हूँ। और उसके अलावा हलीम, दम का कीमा, अम्मी का एक या पुलाव आलू गोश्त, ये जरूर आता है। एक बड़ा आला झटपट चिकन इज कमाल। ये हमारे घर से मुख्तलिफ है कढ़ाई से, इसमें इस कढ़ाई से मुख्तलिफ है, इसमें खटास है, लेमन है ना, लेमन की वजह से बहुत आला है भाई, ये तो और ही बनता है। अच्छा और क्या क्या होता है आपके मीठे में, क्या होता है दावत में? मेरे खुबानी का मीठा भी होता है, जर्दा भी है। कल मेरे घर, आज मेरे घर खाना। अच्छा आज आपके घर खाना है, दावत है। दोस्त आई हुई लंदन से, तो मैंने कहा वही जिनसे मैं मिल चुकी हूँ। हाँ भाई भी ना, तो क्योंकि कल किया था मैंने, क्योंकि कल मेरे प्ले में इवेंट है, वो तो 2 बजे छोड़ेंगे। हाँ तो फिर परसों सुबह मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। तो आपने आज खाना, मैंने आज ही आ जा जल्दी से, तो बशीर बनाएगा, अभी जाके कोफ्ते बनाएगा बेहतरीन, बटर पुलाव बनाएगा। और बशीर क्या सोचा था हमने? सरसों का साग, मक्खन, मकई की रोटी, यम। और साथ में हमने क्या कहा था? कबाब। और क्या था? कुछ भी था, बस ये था। आपके घर में क्या होता है मीठे में खास तौर पे? शाही टुकड़े। उधर भी उनको भी तो बताया ना, आप मुझसे बात कर रहे हो, कैमरा पीछे है ही नहीं। शाही टुकड़े या फिर वो होता है कि ट्राइफल, वो हो जाता है आइसक्रीम के साथ, बिस्किट। भाई अब तो बहुएं भी है ना, वो भी कुछ बना लेती है, वो अंग्रेजी में बनाती है ना। और ज़ारा जो है ना, वो कहती है कि आज मैंने ये बनाया है। क्या है बनाया? आइसक्रीम, उसके अंदर बिस्किट। मैंने कहा तो ये आपने रखा है बेटा, आइसक्रीम और उसके अंदर बिस्किट। अब बहुत बनाती है भाई। अच्छा हमारे घर तो कुछ ना बनाया, ससुराल वाले शौकीन होंगे ना खाने। तो फिर इसको ये असद में ये बनाओ, असद में आपको ये दूं। बल्कि आजकल डाइट तुम्हारी न्यारी जाती है, आजकल डाइटिंग हो रही है ना, मजे की बात ना। कल मैं भी घर रात में भी खरी थी, तो आज डाइटिंग थी ना, पहला दिन था, तो वो पराठा रोल मंगाया, तो रात को तो अच्छा वाला खाया। असद प्लीज, असद प्लीज खा ले, अम्मा एक बाइट आप खा ले, उसको हमें खिला के ना, ये हाल ये लोग खा ले, हमें डाइट का पहला दिन है, थोड़ा सा खा ले प्लीज, खा ले 3 बजे रात को। एक दिन ना कोई हो रही थी कि पता नहीं, असद ये शिकायत लगा थी, तो फिर कहती है मैं सबके जाऊँ लेकिन लड़का अच्छा बहुत है वैसे। पहले तो बड़बड़ कर रही, नहीं मैंने कहा बेटा ये तो देखो मेरा बच्चा इतना प्यारा सा, मेरा बच्चा पहले बोली 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 कुछ बोली, उसके बाद मैंने कहा बेटे देखो ये चीजें तो फिर होती है, देखो तो ये भी तो नहीं, मैं सबके जो लड़का बहुत अच्छा है वैसे। तो मैंने कहा फिर क्या मुसीबत है? वो कह रहा अम्मा देखें, एक दिन पता नहीं क्या चिक चिक हुई उनके अंदर, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी अम्मा को बताती कर, तो कहता हाँ बताओ बताओ, जाओ नीचे बैठे। उसने कहा नहीं मैं जा रही हूँ तुम्हारी बुशरा अम्मा को बताने। ओए ओए। उसकी भाई फूंक निकल गई है। ओए ओए। जारा ये क्या बात है ना, आपके साथ दोस्ती है, डॉली की आएगी बारात में आपके बेटे थे, ये तो शिष्टा कराया तो मैंने खाया ना। तो कह रही नहीं नहीं मैं नीचे वालों के पास नहीं जा रही, मैं क्रीक विस्टा जाऊंगी तुम्हारी बुशरा अम्मा के घर, तो फिर कैसी हो नहीं ये मिल जाती हूँ। हाँ हम जो है ना हम पार्टी, हम जो है अम्मा हमारा क्या होगा? हाँ हम जो है ना हम दोनों, ये लोग आते हैं खाने की फरमाइशें होती है कुछ आपसे बनवाते हैं, जारा और असद। मैं तो ही करती रहती हूँ प्लीज खा लो, असद आता है वहाँ पे किक बॉक्सिंग करने। अच्छा असद आओ मैं पराठा खिला दूँ, आज मेरा बच्चा, अम्मा मैं तो अभी किक बॉक्सिंग करके आऊँ पराठा खिलाऊंगी। लेकिन मैं इनको कभी कभी कहती हूँ संडे मेरे पास गुजारा करो, खाना बना के गुजारा खाती है अम्मा अपने हाथ का पराठा बना दें। अरे वो शौक तो है नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि जब यहाँ आई थी ना कहती अम्मा खाला अकेली होती है, मैं इनका ख्याल रखूंगी, कसमान उखाए कभी भी नहीं आई। कभी 4 महीने में खाला आई एम सॉरी, मैं शुरू में तो मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, मैं बहुत बिजी थी। मैंने कहा बेटे कोई मैंने लोड नहीं डाला कि क्यों नहीं आई और कब आओगी, मैंने कहा नहीं एक बच्चों के पास काम इतने हैं, फिर ससुराल में रहती है, फिर 100 चीजें और हैं। अच्छा अभी दिल जब
जब दिल करे आ जाना, मतलब लड़के ना आना। मैं भी नहीं कहती, मैं भी कहती हूँ जब दिल करे आ जाना, ऐसे मजबूर नहीं करती। हाँ। तो होता है आप आ जाए मेरे पास, हाँ। रात हमारे पास रह जाए, बड़ा शौक है। इसने कहा एक दफा शुरू में पता नहीं नाराज होके, इसने कहा चलो 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 नाराज होके ना आना मेरे घर अपने। हाँ। जाओ और नहीं तो नाराज क्या, वो आती तो पीछे पीछे वो चला आता है, दो मिनट में आ जाए। आज के आपके पास रहूंगी तो एक बजे चली जा बेटा। तो जी ये था आज का प्रोग्राम जो आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि मुझे बहुत मन। हमारा गाना नहीं चला, हमारा गाना चलेगा सारा वाला। और जो है भाई इतना मजेदार आज का प्रोग्राम था, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। और बशीर भाई और रशीद भाई क्या बात है, आप लोगों के जादू है, बहू के हाथों में कहते हैं लेकिन जादू है बशीर और रशीद के हाथों में। आए बाल पता नहीं क्या हो गया, मैंने बैककॉमिंग कर ली ब्रेक के दौरान, फंस गई मैं तो करके, मैं करती हूँ। चले हम ब्रेक के, अब हम खुदाफिस कर रहे हैं, फिर हम बाद में ही करेंगे अब। हाँ। तस्वीर खिंचवाने के लिए कोई नहीं। तो जी ये था आज का प्रोग्राम, क्या करके चलेगी शहजादी तुम बस। ठीक है ठीक है ठीक है, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा। अब हम इंजॉय करें, हम खाना खा रहे और आप दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। थैंक यू, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज।